फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष नायर है और मैं चेयरमैन हूँ स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का, इंडिया का एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कॉरपोरेट ट्रेनिंग भी कर चुका है, एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग भी कर चुका है, इंडिविजुअल को भी ट्रेनिंग कर चुका है और हर तरह का पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने किया हुआ है। मेरे साथ है आज टाइगर रेन कोटियन, इंडिया के जाने माने सरफिरे अबाउ द बेल्ट मारने वाले ट्रेनर और पूरे बदन पे मारने वाले एक हमारे साथ ट्रेनर कंसल्टेंट कोच बैठे हैं, टाइगर राजेश टैगोर। तो राजेश टैगोर, नैन कोटियन और मैं संतोष नायर, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग हमें सुन रहे हैं। खास करके इसलिए खुशी है क्योंकि जिंदगी में हम तीनों के पास 111 साल का हमारे पास कलेक्टिव तजुर्बा है। हम लोगों ने अपना करियर एज सेल्स पीपल, एज न्यूज़पेपर वेंडर, गली गली में जाके हम लोगों ने अपना लाइफ को छोटे पैमाने से शुरू किया। छोटे पैमाने में शुरू करने के बाद हम लोग बड़े बड़े कंपनियों में काम किए। वहाँ पर काम करने के टाइम पे हमें मिले बहुत सारे महान मैनेजर्स लोग, महान लीडर्स लोग मिले और उन लोगों ने हमें गाइड किया कि आपको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है और वो है अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। अपने आप को सेल्फ गाइडेड बनाइए, अपने आप को सेल्फ डायरेक्टेड बनाइए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड बनाइए, अपने आप को सेल्फ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके अपने आप में लगातार ट्रांसफॉर्मेशन लाइए। और ये जो गुरु मंत्र जो लोगों ने दिया था हमें, हम लोगों ने उसको बहुत ही सीरियसली लिया। तो मैंने करीबन 400 किताबें सेल्स की पढ़ी और मैंने सेल्स की मास्टरी की, सेल्स मैनेजमेंट की मास्टरी की, सेल्स लीडरशिप की मास्टरी की और करीबन 1,500 ऑडियोज और वीडियोस को मैंने सुना। और 1,500 ऑडियोज और वीडियोस को सुनने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में अपने लाइफ को किस तरह से बनाना, अच्छा बोलना कैसे, अच्छा चलना कैसे, अच्छा सोचना कैसे, थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स को पावरफुल कैसे बनाना चाहिए, अपन ने बात किया तो दुनिया अपनी बात सुननी चाहिए, ऐसी बातों को किस तरह से पेश किया जाए, ये जब समझ में आई। और उससे भी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, नैन और राजेश टैगोर के साथ भी वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, जो मैंने अलग 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 ट्रेनिंग प्रोग्राम किए। मुझे याद है प्रमोद पालेकर साहब ने मेरे को पब्लिक स्पीकिंग सिखाया, किशोर फड़के साहब ने मेरे को प्रोडक्टिविटी, हाउ टू रिमेन प्रोडक्टिव अंडर द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन, REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी सिखाया, डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग के ऊपर डिक शेवर साहब ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। और महान प्रभाव पड़ा मेरे लाइफ में डॉन बेवरेज साहब ने, जो 1992 में मैंने उनका एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम को करने के बाद जिसका नाम था द अचीवमेंट चैलेंज, हाउ टू बी अ 10 इन बिजनेस, माय गॉड, उसका जो 12 चैप्टर है, मैंने उस बुक को करीबन 150 बार पढ़ा होगा। पिछले 20-25 साल में मैंने उस बुक को 150 बार, उसका एक एक चैप्टर, उसका एक 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 वर्ड, उसका एक एक पैराग्राफ, उसका कण कण मेरे अंदर उतर गया है। और हाउ टू बी अ 10 इन बिजनेस और ये सब चीजें मैंने सीखा। उसके बाद मेरे लाइफ में जिग जिगलर आया, मैं राजेश और मैंने मिलके जिग जिगलर साहब का प्रोग्राम किया, हम लोगों ने स्टीफन कवी साहब का प्रोग्राम किया, हमने डैन सलीवान साहब का प्रोग्राम किया, जीनियस नेटवर्क में अमेरिका में गए, वहाँ पर प्रोग्राम किया, अलग अलग टाइप के मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, लीडरशिप के प्रोग्राम, अपरेश आचार्य साहब का मैंने कितने सारे प्रोग्राम किया, द मिल्ट लीडरशिप प्रोग्राम, द मोटिवेशनल सेलिंग स्किल्स प्रोग्राम, उनका मैंने वो प्रोग्राम किया। और ये सभी जितने महान लोग हैं, इनके जो भी किताबें, जोएल बार्कर साहब के मैंने इतने CDs सुने हैं, द बिजनेस ऑफ पैराडाइम, द पावर ऑफ विजन, लीडरशिप एंड चेंज, पैराडाइम पायनियर, पैराडाइम हंटिंग, पैराडाइम कर्व, दायरों को कैसे तोड़ना है, बाउंड्रीज को कैसे तोड़ना है, जिंदगी में बिलीफ का क्या इंपॉर्टेंस है, डर पे कैसे काबू करना है, और अलग 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 ये जो बुक्स और ऑडियोज और वीडियोज और ये महान लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम, हजारों ऐसा चीज करने के बाद हमारे अंदर हमारे पास एक जबरदस्त विजडम आया है। इसका मतलब है कि हमें आपका 20 साल कैसे बचाना यह मालूम है, आपका 30 साल, आप 30 साल गलती करके आप जिंदगी चला सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, अपना लाइफ को जी सकते हैं, लेकिन बिना गलती किए। क्योंकि ये जितने भी किताबें हैं, जितने भी ऑडियोस हैं, जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी प्रोग्राम हमने अटेंड किए, वो सब हमने अपने अंदर डालने के बाद हमें पैटर्न समझ में आया, हमें टेक्निक समझ में आया, हमारे को नॉलेज से
क्या फायदा होता है ये समझ में आया, एटीट्यूड को शिफ्ट करने से क्या हो सकता है ये समझ में आया, आदतों का इंपॉर्टेंस हमें समझ में आया, कौशल्य या स्किल को किस तरह से बढ़ाना है, सुंदर स्किल्स होने की वजह से किस तरह का इंपैक्ट और किस तरह का रिजल्ट आप पैदा कर सकते हैं इसके बारे में हमारे को समझ में आया। ये सभी लोगों का हमारे ऊपर भयंकर प्रभाव रहा। तो आपको हमने जो 111 साल का हम लोगों ने जो ये सभी लोगों से सीखा उसका हमने जूस लेके अंदर डाल दिया। और हमने क्या किया, ये सब पहले तो हम लोग खुद ही मास्टर बने और पैसा कमाया, नाम कमाया, इज्जत कमाया, कंपनी में हम नंबर वन सेल्समैन बने, नंबर वन ग्रुप लीडर, नंबर वन सुपरवाइजर, नंबर वन ब्रांच मैनेजर, ये हर पोजीशन पे ग्रेट था, ये हर पोजीशन पे ग्रेट था, हमने जबरदस्त काम किया और ये सब लेके हमने कहा चलो अब जाके इसको, क्योंकि खुद के कंपनी में बापू बनना तो कोई भी आदमी बन सकता है, खुद के कंपनी में पढ़ाई लिखाई करके वो तो अंधों में काना वाली भी बात हो सकती है, लेकिन हम चाहते थे कि इसको टेस्ट करें, हम चाहते थे इसको एक्सपेरिमेंट करें, हम चाहते थे कि दुनिया में ये नॉलेज को लेके जा सकते हैं कि नहीं। तो हम लोगों ने मिलके एक कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम है स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। हम लोग ट्रेनिंग में उसके पहले से थे, उसके पहले से इसे सब मिला के करीबन 23 से 25 साल हम लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम के तीनों के पास 111 साल का विजडम है, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करना है, सेल्फ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, अदर्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, इसका हमारे पास विजडम है। और ये विजडम लेके हमने स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी शुरू किया। मुझे याद है हम गार्डन से काम करते थे, हमारे घर के गार्डन से दोनों वहीं पर से काम करते थे हम लोग, पानी टपकता था ऊपर से, बारिश आता था, हम बहुत दर्द के साथ उस कंपनी को स्टार्ट किया। और फिर हमने कोको कोला में काम किया, हमने प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम किया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में जो 20-25 साल तक नहीं हुआ वो राजेश ने कई चंद महीनों में कर दिया। कोको कोला के ट्रक में चढ़ के उसके रूट एजेंट और क्लीनर के साथ बैठ के सुबह से 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हम लोग काम करते थे। एशियन पेंट्स के सेल्स के बंदों के साथ काम किया, वोडाफोन हुआ या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HSBC हुआ, मर्सिडीज हुआ, फोर्ड हुआ, हुंडई हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ, बिरला सन लाइफ हुआ, LIC हुआ, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ हुआ, ये सभी कंपनियां, जितने भी कंपनियां आप सोच सकते हैं करीबन टॉप के 200 कंपनियां, सेन गोबेन वर्ल्ड की नंबर वन ग्लास कंपनी, सभी लोगों को हमने ट्रेन किया वहां पर। दुनिया की सबसे बड़ी पैकेजिंग कंपनी ITW सिग्नॉट, वहां पर जबरदस्त हम लोगों ने प्रोग्राम किया, की अकाउंट्स मैनेजमेंट, सेलिंग स्किल्स प्रोग्राम, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम, चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम, लीडरशिप प्रोग्राम, अलग 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 टाइप के प्रोग्राम हम लोगों ने किया। और ये जो महान कंपनियां हैं, ये कंपनियों में हमने एक एक ग्रुप के अंदर भी, अगर महिंद्रा के अंदर चाहे तो ऑटोमोटिव डिवीजन के अंदर हमने काम किया, ट्रैक्टर डिवीजन के अंदर काम किया, फार्म इक्विपमेंट्स के हमने काम किया, महिंद्रा फाइनेंस में हमने काम किया, महिंद्रा हॉलीडेज का एक एक लड़के लोगों को हम लोगों ने ट्रेन किया है और वो आज इतनी महान कंपनी बन चुकी है। तो पूरे महिंद्रा ग्रुप के अंदर, टाटा ग्रुप के अंदर, बिरला ग्रुप के अंदर, आज के तारीख में हम हिंडाल्को के साथ काम कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, अभी 2 दिन पहले मैं दिल्ली में था, बेंगलोर में था और बंबई में था, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग ने इन लोगों के सब के साथ, इनके CEO लेवल पे हमारा उठना बैठना उनके CEO, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर लोगों के साथ होता। RVS रामकृष्णन ITW सिग्नॉट का मैनेजिंग डायरेक्टर, असीम घोष जो चेयरमैन होता था वोडाफोन के, संजय बादुरी जो सोडेक्सो पास के मैनेजिंग डायरेक्टर होते थे, बैठते थे हम लोग सामने बैठ के बातें करते थे कि ये मेरा चैलेंज है, ऐसा चेयरमैन बोलता था, ये मेरा चैलेंज है, ऐसा CEO बोलता था, ये मेरा चैलेंज है, वाइस प्रेसिडेंट बोलता था, ये मेरा चैलेंज है, ऐसा वाइस प्रेसिडेंट HR बोलती थी या बोलता था। हम लोग उस चैलेंज को स्टडी करते थे, हम फील्ड में जाते थे, हम लोगों की जिंदगी में उतरते थे, हम लोगों के माइंड के अंदर उतरते थे और माइंड को कैसे शिफ्ट करना है और इंडिविजुअल को कैसे शिफ्ट करना है, मैनेजरल शिफ्ट कैसे लाना है, लीडर शिफ्ट कैसे लाना है, एंटरप्रेन्योरशिप शिफ्ट कैसे लाना है, इसकी हमने मास्टरी की। ये सभी महान कंपनियों में हम लोगों ने काम किया और उसका जूस लेके हमने अपने आप में डाल दिया। लेकिन एक दुख होता था,
उस जमाने में हम लोग उन कंपनियों के डीलरों को मिलते थे, उन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते थे, और जो 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ वाले कंपनियां जिनको मालूम ही नहीं था अगले लेवल पे कैसे जाना है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल कैसे बनाना है, एशियन पेंट्स कैसे बनाना है, यूनिलीवर कैसे बनाना है, और बड़े कंपनियां कैसे बनाना है, तो ट्रेडिशनल कंपनियों के पास भी हम गए थे, जैसे एचके स्पोर्ट जो है, सावजी भाई ढोलकिया के साथ हम लोगों ने काम किया, गोविंद भाई ढोलकिया के साथ काम किया एसआरके डायमंड में, गोपाल स्नैक्स जो 700-800 करोड़ का कंपनी है राजकोट में, वहां पर हमने काम किया, और ये सभी चीजें करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू एंटरप्रेन्योर्स, धंधे वाले का ही है फ्यूचर, और इंडिया में और वर्ल्ड में सभी आदमियों को धंधे वाला बनना चाहिए। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए नैन ने, राजेश ने और हम सब ने मिलके हमने एंटरप्रेन्योर्स के तरफ कदम बढ़ाया, हमने कॉरपोरेट ट्रेनिंग को थोड़ा सा पीछे रखा और हम उतर गए वो 1 करोड़ वाले के पास, वो 10 करोड़ वाले के पास, वो 50 करोड़ वाले के पास और 100 करोड़ वाले के पास, और उसके कंपनी में उतर के जब हम गहराई में जाके देखे तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है, जैसा आज यूनिलीवर करीबन 150-200 साल की कंपनी है, कोको कोला 100 साल की कंपनी है, सेन गोबेन 350 साल की कंपनी है, सेन गोबेन 1665 में चालू हुआ, ये आपे आप चल कैसे रही है, और ये बेचारा अपना जो एंटरप्रेन्योर है ये सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है, ये दिल लगाता है, जान लगाता, अपना अपना पूरा टाइम देता है, रिश्ते बिगाड़ता है, हेल्थ बिगाड़ता है, सब कुछ होने के बाद भी उसको वो नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए, और उसे ये नहीं मालूम कि मैं यूनिलीवर कैसे बन सकता हूं, वोडाफोन में कैसे बनाऊं, मैं एशियन पेंट्स को कैसे बनाऊं। हम लोग इस बात से जूझे, हम लोग इस बात से तड़पे, हम लोग इस बात से अपसेट हुए, एंग्री हुए, फ्रस्ट्रेट हुए, और हमने उनके लाइफ के अंदर जाके काम किया। We dedicated ourselves to the small and medium entrepreneurs, और हमने कोर्स बनाया, 6 महीने का कोर्स बनाया, 1 साल का कोर्स बनाया, 2 साल का कोर्स बनाया, और ऐसे कोर्स करते 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 हम लोगों ने उनके लाइफ को पूरी तरीके से समझा, वो उठते कितने बजे, वो जाते कब है, वो करते क्या क्या है, उनके आदमी कैसे हैं, उनके आदमी को वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, उनके आदमी अपग्रेड हो रहे नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, हो रहे तो कैसे हो रहे, ये सभी चीजें, वो ग्रो हो रहे तो क्यों ग्रो हो रहे, और ग्रो नहीं हो रहे तो क्यों ग्रो नहीं हो रहा है, वो अगर चैलेंज ले रहे तो ले क्यों रहे हैं, नहीं ले रहे तो नहीं क्यों ले रहे हैं, वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो रिस्क ले रहे तो कैसे ले रहे हैं, और नहीं ले रहे तो क्या हो गया, उनकी मन स्थिति की क्या हुआ, उनका स्टेट ऑफ माइंड और उनका स्टेट ऑफ बीइंग, सभी चीजों को हमने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद, और हम लोग कोई प्रोफेसर नायर नहीं है, ये कोई प्रोफेसर टैगोर साहब नहीं है, कोई प्रोफेसर नाइन, वी आर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, गली गली में जाके एक एक आदमी की जिंदगी को स्टडी किया, मोरबी जैसे जगह पे हमने ब्रांच डाल दिया जहां पर एजुकेशन का ई तक चालू नहीं होता, राजकोट में जाके हमने एंटरप्रेन्योर एजुकेशन में आग लगाया, अहमदाबाद में, सूरत में, दिल्ली में, राजकोट में, बंबई में, पूना में, रायपुर में, कैलिकट में, कोचिन में, हर जगह पे हमने जाके, अमरावती जैसे जगह पे जाके हम लोगों ने काम किया, अमरावती के आदमियों का सोच, उनकी समझ, उनकी तड़प, उनका उनकी 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 अंदर का जो एक दुविधा और उनका सभी चीजें हम लोगों ने स्टडी किया। वॉल प्लस जैसे कंपनी का अगर मैं नाम लूं तो 32 इयर्स में 32 करोड़ का कंपनी, जब अशोक मेहता और कौशल मेहता हम लोगों के पास आए थे, हमने एक टॉक दिया था और उस टॉक के बाद हमने देखा कि वो लोगों को 32 इयर्स लगा 32 करोड़ में, फिर हम लोगों ने उनको हमारे एंटरप्रेन्योर गुरुकुल में डाला, वहां पर हमने उनके कंपनी में जाके एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया, उसके बाद वो निर्वाणा गुरुकुल में बैठे, और परसों के दिन की मैं बात कर रहा हूं जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में अपना ऑल केयर बोल के कंपनी का प्रोग्राम करके मैं वापिस आ रहा था, तो अशोक भाई से मेरा बात हुआ और वो बोल रहे थे कि मैंने आपको सुबह मैसेज भेजा, मेरे को फोन, आप मेरे से बात करना है, तो मैं बोला क्या हो गया अशोक भाई, बहुत दिन हो गए, बोले खाली नायर साहब ये बताना चाहता था
सिंधु मैडम जो आपकी कंपनी का को फाउंडर है, हमारे पास 8 से 9 साल पहले जब आई थी तब हम लोग 32 ईयर्स में बने हुए थे, तब हमने 1500 करोड़ का टारगेट रखा और मुझे खुशी है नायर साहब ये बताते हुए कि 750 करोड़ रुपया हो गया पिछले 6-7 साल में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क हमने किया है, जो 50 करोड़ का कंपनी को, जो 30 करोड़ का कंपनी को 750 करोड़ पे, 750 करोड़ का कंपनी को 3000 करोड़ पे और 3000 करोड़ का कंपनी को 10000 का रास्ता दिखाने का हमने प्रयास किया, काम किया, और ये सभी चीजें बन गया हमारा कलेक्टिव विजडम, ये सभी चीजें बन गया हमारा कलेक्टिव विजडम। और हमारा ये मानना है कि फ्यूचर बिलोंग्स टू एंटरप्रेनर, तो हर वो आदमी जो एंटरप्रेनर है और हर वो आदमी जो एंटरप्रेनर बनना चाहता है उसके लिए हम लोग अभी कुछ करना चाहते हैं, सॉलिड आउट ऑफ द वर्ल्ड हाई इंपैक्ट। और ये विचार उठी क्यों और कैसे उठी, क्यों हमको ये 3 दिन का प्रोग्राम करना पड़ा, और ये जो हम लोग 3 दिन का प्रोग्राम लेके आ रहे हो, थोड़ा सीक्रेट है, मेरे मुंह से निकल गया, तो ये क्या हुआ राजेश जी, इसके बारे में बताइए। करीबन 10-12 सालों से लगातार अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द कंट्री, कोई कानपुर से, कोई नागपुर से हमको फोन करते, बोलते सर हम आपका प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं। लगातार हमारा जो सिचुएशन था कि सभी के सभी प्रोग्राम, चाहे वो फाउंडेशन गुरुकुल हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर गुरुकुल हो, सभी 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के प्रोग्राम है, और ये सब के सब अलग अलग सिटीज से हर बार बॉम्बे आते हुए आपके पास ट्रेनिंग लेते हुए इस चीज को कंटिन्यू कर पाना, इम्प्लीमेंट कर पाना, बोलते हैं हमारे लिए नामुमकिन है। छोटा प्रोग्राम बनाइए, ऐसा क्रिस्प प्रोग्राम बनाइए जहां पर हम सीख सकते हैं, जहां पर के लेसन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस चीज को बार बार वो बोलने के बाद मैं भी आपको बार बार कह रहा था सर क्रिस्प प्रोग्राम बनाइए, 4 दिन का, 3 दिन का प्रोग्राम बनाइए, और उसी में से उभरा ये ख्याल, ये ख्याल, और ख्याल बन गया हमारा ये सुंदर प्रोग्राम जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन का गुरुकुल। कुछ बताना चाहेंगे नैन जी, ये 3 दिन का प्रोग्राम हमने क्यों बनाया और मेन इसमें आदमी को क्या सीखने को मिलेगा, ये अगर आप बता सके। नायर साहब मैं ये बात से रिलेट कर पाता हूँ, बिकॉज देखिए आप अगर यूट्यूब में भी देखते हैं तो कई सारे वीडियोस होते हैं। अब देखिए आप वीडियो चुनते कौन से, छोटे वाले। आजकल मेरे ख्याल से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है, सब कुछ छट फटाफट रिजल्ट्स चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो राजेश जी ने बताया कि लोग चाहते हैं कि छोटा प्रोग्राम हो, क्रिस्प हो और इफेक्टिव हो, तो हमने जो ये प्रोग्राम बनाया ये इफेक्टिव है। ये इफेक्टिव इसलिए बिकॉज इसको बनाने के पीछे जो संघर्ष, उसके अंदर जो परिश्रम, उसके अंदर जो मेहनत गया है और उसके अंदर जो तालमेल गया बिटवीन द कंटेंट टीम एंड द ट्रेनिंग टीम, ये लाजवाब रहा है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, हमने कई सारे प्रोग्राम्स बनाए आज तक, मेरे ख्याल से ये जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है, दिन रात, मतलब लिटरली दिन रात हम बैठ के उसको स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसको डिफाई कर रहे हैं, उस पर एग्रीमेंट ला रहे हैं, उसमें गेम्स ऐड कर रहे हैं, उसमें लोकेशंस डिसाइड कर रहे हैं, उसमें कॉन्सेप्ट्स इंसर्ट कर रहे हैं और इसको एक सीमलेस फ्लो में डाल रहे हैं। ये होने का एक जो नतीजा है आप देखेंगे जब आप एनरोल करेंगे, अभी ये जो एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन का गुरुकुल एक प्रोडक्ट जैसा बन गया है। खास बात इसमें यह है कि हर सेशन में, मतलब आप सुबह आ जाते हैं और आपका एक टी ब्रेक हो जाता है, टी ब्रेक होता नहीं है कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन टूल मिल गया, मतलब आपने उतने से सेशन में अपने लाइफ का और एक बिजनेस का ट्रांसफॉर्मेशन का एक एस्पेक्ट समझ लिया। फिर आप चाय के बाद लंच तक बैठते हैं, उसमें आपको एक महाभयंकर दूसरा ट्रांसफॉर्मेशनल टूल मिल जाता है। कहने का मतलब यह है कि तीनों दिन में आप जितने भी ब्रेक्स लेते हैं आप ब्रेकआउट पाते हैं, मतलब आपको समझ में आता है कि जो आपके हिस्ट्री में पिछले 10, 15, 20, 25 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो जो चीज आपने खोया है, आपने स्पीड खोया है, आपने टैलेंट खोया है, आपने प्रॉफिटेबिलिटी खोया, आपने ग्रोथ खोया है, आपने अपना चैन खोया है, ये क्यों खोया है? करेक्टिव एक्शंस अगर समय पर लेते तो आप ये सब नहीं खोते, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, why do entrepreneurs miss the bus? लेकिन इस प्रोग्राम में हमने वो सारे एलिमेंट्स को एक जूस के मुफ्त घुसा दिया है, और दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे ख्याल से हम प्रोग्राम के बारे में बात तो करने वाले हैं, लेकिन आपको एक चेतावनी है दोस्तों, एक चेतावनी है कि आप कोई भी स्केड्यूल रखते हो उन 3 दिनों में, अगर उस स्केड्यूल को आप रीस्केड्यूल नहीं करते हैं और हमारे साथ रूबरू नहीं होते हैं, आप एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम को मिस करने वाले हैं, इतना तो मैं कह सकता हूं। बिल्कुल, और ये जो ख्याल हमारा उठा तो वो ये ख्याल उठा कैसे,
क्योंकि जब नयन साहब एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करते हैं, जब राजेश टैगोर एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करते हैं, और हमारे जो करीबन 30 से 35 रिव्यूअर्स जो रिव्यू करते हैं, और हमारे बाकी जो करीबन 50 ट्रेनर्स हैं पूरे इंडिया में फैले हुए, ये सभी लोग जब हमारे पास हमारे ट्रेनिंग एकेडमी में आके जब चर्चा करते हैं, तो एक तीन चीजें उभर के आ रही है, तीन चीजें उभर उभर के आ रही है कि नायर साहब ये बताइए कि हम इसको ऑटो पायलट कंपनी कैसे बना, ऑटो पायलट कैसे कंपनी बनावे, एपीओ ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनावे, और एक बार ये ऑटो पायलट हो जावे ना तो सर ये एक्सपेंड भी होना चाहिए, तो ऑटो एक्सपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे बन सके, और दूसरा सर बिना इंटरवेंशन के हमारे कंपनी में बिल्कुल लगातार ट्रांसफॉर्मेशन होता रहे, ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं इसको बोलूंगा आपो आईओ ऑटो, तो आपो यानी एपीओ, और अगर हम देखेंगे तो हम लोग हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें जिससे आप समझ में आ जाएगा कि आपो कैसे बनाना है, आईओ कैसे बनाना है, और ऑटो कैसे बनाना है, यानी कि एक ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाएं। ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जहां प्रेडिक्टेबल काम संस्था करती है और अनप्रेडिक्टेबल काम जो है एंटरप्रेन्योर करता है, लेकिन ऐसा करने के लिए एंटरप्रेन्योर को किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी एक ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, क्या क्या टूल्स उसको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, उसे कौन सा रूप लेना पड़ेगा, ये सब चीजें हम लोग इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑटो ऑटो पायलट कंपनी बनेगा आपका, उसके बाद ऑटो एक्सपेंडिंग कंपनी बनेगा आपका, और उसके बाद ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका बनेगा। मेरा हमेशा ये चैलेंज रहा है कि ये धंधे वाले आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो होता क्यों नहीं है, तो हमने बहुत स्टडी किया और स्टडी करने के बाद हमने अपने लाइफ को स्टडी किया, क्योंकि हम तो खुद 120 जन का कंपनी चला रहे हैं, आप और हम सब लोग मिलके ये जो स्मार्ट को चला रहे हैं, और हम तो रोज की मारामारी को देख रहे हैं, लेकिन हमारे को एक फायदा हुआ था, हमारे को एक एक अच्छी बात क्या हुई थी कि हम लोग कॉर्पोरेट में पहले काम करते थे, नैन साहब कॉर्पोरेट में काम करते थे, यूरेका फोर्ब्स में और अलग अलग कंपनियों में, ये डेव रॉजर्स डेव थॉम्सन में काम करते हैं, मैं यूरेका फोर्ब्स में काम करता था, और मैं रियल वैल्यू बोल के कंपनी में काम करता, सीज फायर मैंने टीम प्रोडक्टेड, तो बड़े बड़े कंपनियों में काम करने के बाद वो लोग ऑटो पायलट कंपनी कंसेप्ट बनते हैं ये हमको समझ में आया। तो मुझे ये समझ में एक चीज़ बहुत गहराई से मेरे को ये समझ में आई कि जो पहला जब मेरा 15 साल था जो मैंने नौकरी किया 1985 से लेके 2000, और फिर 2000 में हम लोगों ने मिलके स्मार्ट को शुरू किया और वो 19 साल हो गए, तो पहला जो मेरे को नज़र आ रहा है वो ये कि हम जब एक सेल्समैन थे तो हमारे ऊपर एक ग्रुप लीडर होता था, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर होता था, उसके ऊपर एक ब्रांच मैनेजर होता था, डेप्यूट डिविजनल सेल्स मैनेजर, डिविजनल सेल्स मैनेजर, सीनियर डिविजनल सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट और सीनियर प्रेजिडेंट, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, ये ऐसा 19 जन का लाइन ऑफ कमांड होता था। इसका मतलब है कि मैं जब सेल्समैन था तो मेरा अगर कोई गलती कर रहा हूं, मैं अगर कोई गलत काम कर रहा हूं, मैं अगर पढ़ता नहीं हूं, लिखता नहीं हूं, जानता नहीं हूं, मैं वो चीजें नहीं कर रहा हूं जो करना चाहिए, और मैं वो कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मेरे को गाइड करने के लिए एक ग्रुप लीडर होता था, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर होता था यह देखने के लिए कि ग्रुप लीडर नायर को गाइड कर रहा है कि नहीं, उसके ऊपर एक ब्रांच मैनेजर होता था वो ये देखने के लिए कि सुपरवाइजर और ग्रुप लीडर नायर की जिंदगी को डायरेक्शन दे रहा है कि नहीं, गाइडेंस दे रहा है कि नहीं, मोटिवेशन दे रहा है कि नहीं, और ऐसे मतलब चेन ऑफ कमांड होते थे। और जो दिन हम धंधे वाले बने ऑन 10th February 2000, हमने ये 19 जन का जो सपोर्ट है ना ये काट दिया। तो मैं कहता हूं मैं हमेशा कहता हूं ये हम लोग आपको एक चीज सिखाने वाले हैं, द कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इसको बोलते हैं द कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो मेरे को एक चीज समझ में आया कि अगर ये 19 जन मेरे ऊपर है नहीं तो मेरे ऊपर है कौन, मैं तो अभी धंधे वाला बन गए, हम तो धंधे वाले बन गए, हम पार्टनर्स बन गए और हम ये धंधा चला रहे, तो हमारे को गाइड कौन करेगा,
हमें डायरेक्ट कौन करेगा? कोई नहीं। हमें इंस्पायर कौन करेगा? कोई नहीं। हमें मोटिवेट कौन करेगा? कोई नहीं। हमारे को स्ट्रेटेजी कौन सिखाएगा? हम गलत है ये कौन बताएंगे? हम डिरेल हो रहे हैं कौन बताएगा? हम वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए और वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, कौन पूछेगा? हम किसको अकाउंटेबल होंगे? ये मेरे को समझ में आ गया और तब मुझे समझ में आया कि अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते काटते 7 डिसीशंस लेने पड़ेंगे और वो 7 डिसीशन है ये वाला जो यहां पर मैंने बताया हुआ है कि आपको बनना पड़ेगा चीफ रिस्क ऑफिसर, CRO आपको बनना पड़ेगा हमेशा के लिए। आइए, आपको डिसीशन लेना पड़ेगा। आपको बनना पड़ेगा चीफ एनर्जी ऑफिसर, आपको बनना पड़ेगा चीफ वैल्यू क्रिएशन ऑफिसर, आपको बनना पड़ेगा चीफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर, आपको बनना पड़ेगा चीफ इंटेंशनैलिटी ऑफिसर, आपको बनना पड़ेगा चीफ प्रोडक्टिविटी ऑफिसर और आपको बनना पड़ेगा चीफ बिलीफ ऑफिसर। नायर साहब, ये सब कैसे बने? एक इंसान को इतने सारे डिसीशन, इतने सारे रोल्स? ये है ना, ये एक स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे को कंटिन्यूसली वैल्यू क्रिएट करना है, मुझे बिलीफ ऑफिसर बनना है, मुझे रिस्क ऑफिसर बनना है, मुझे चीफ इंटेंशनैलिटी ऑफिसर बनना है। ये एक सोच है, इस सोच को पक्का करना है और यही सोच को वो 3 दिन का प्रोग्राम जो हमारा है उसमें हम लोग पक्का करने वाले हैं। आप भी इसमें कुछ बोलना चाहते तो ऑफकोर्स है ना, जैसे आपने कहा कि आपके ऊपर कोई अगर कोई शरण देने वाला नहीं हो, गाइडेंस देने वाला नहीं हो तो आप ही अपने गाइड हो। और दूसरा होता यह है, हमने भी एक्सपीरियंस किया है, अलग अलग क्षेत्रों में हम जाके काम करते हैं, अलग अलग लोकेशंस में काम करते हैं हमारे गुरुकुल्स में, तो हमने ये देखा है कि हर एक जो एंटरप्रेन्योर है, हर एक जो बिजनेसमैन है, उनके प्रॉब्लम्स तो कॉमन ही है, स्केल अलग अलग है, प्रॉब्लम्स तो कॉमन ही है, लेकिन क्या होता है वो अपने प्रॉब्लम से खुद ही जूझने की कोशिश करते हैं, कोई गाइडेंस ही नहीं है। अब वो झूझते झूझते कुछ ना कुछ गड़बड़ ज्यादा ही कर बैठते हैं। इस कोर्स में जब आप आते हैं इन 3 दिनों में, हम आपको वो जो 30 सालों का, वो जो 20 सालों का जो निचोड़ है जो हमने सीखा है इन एंटरप्रेन्योर्स का, आपको 3 घंटे में, 2 घंटे में देते हैं। तो इसमें फायदा क्या है आपका? आपको स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आपके हर वो समस्याओं का समाधान मिलता है आपको। तो या तो 30 साल आप मेहनत करके गलतियां कीजिए और गलतियों को सुधारिए, या 3 दिन आइए और 30 साल में होने वाली गलतियों का इंस्टेंट अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए और उस अंडरस्टैंडिंग से आप अपना एंटरप्रेन्योर शिफ्ट कर सकेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे। यू नो राजेश, यू वांट टू से, आई वांट टू से कि लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनने के बाद आप क्या करते हैं कामयाब बनने के लिए, कैसे करते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट है कि आप बिजनेस में क्या क्या नहीं करते हैं और कैसे कैसे नहीं करते हैं, ये चीज को जान पाना। सारा जिंदगी लोग इसी चीज के ऊपर फोकस करते हुए अपने बिजनेस को ग्रो करते रहते हैं कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। आपको ये जानना जरूरी है मैं क्या 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 नहीं करूं और कैसे 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 नहीं करूं, और वही सब चीज हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये जो 7 डिसीशन जो आपको लेने ना, उसमें जैसे टैगोर साहब ने कहा यही बातें होने वाली है कि आपका एक्चुअल रोल क्या है एज एन एंटरप्रेन्योर। आपका एक्चुअल रोल स्टोर्स में आदमी आया कि नहीं, प्रोडक्शन देखना, ये सब रोल नहीं है। आपका रोल क्या है और आपको क्या नहीं करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये आदमी कर नहीं पाता क्योंकि यू नो वो कहते हैं डर के आगे जीत है। वो डरता है, किससे डरता है? वो हाथ से कुछ चला ना जाए, मेरा कंट्रोल छूट ना जाए, दूसरा कोई अच्छा कर दे तो मेरा प्रेजेंस छूट ना जाए, कस्टमर्स छूट ना जाए, प्रॉफिटेबिलिटी घट ना जाए, मेरे डिसीशंस रॉन्ग ना हो जाए, और अगर गलती हुई तो उसको सुधार। मेरे सिवाय तो कोई ये कंपनी को चला नहीं सकता, मेरे जैसा तो क्वालिटी कोई संभाल नहीं सकता, मेरे जैसा ब्रोशर कोई बना नहीं सकता, मेरे जैसा इंटरव्यू कोई ले नहीं सकता, मेरे बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये जो एक विचार बन गया है, ये विचार इतना पक्का हो चुका है कि उसे डर लगता है इन विचारों को छोड़ने के लिए। तो क्या करने वाले हैं वहां पर आप? मैंने सुना कुछ आप बड़ा कांड करने वाले, कुछ बड़ा यहाँ पर तो लिखा हुआ है, कुछ करने वाले हैं आप? ये राजेश साहब तो वही है ना जो 4-4 घंटे ट्रेडमिल पर चलते हैं, पता नहीं कौन सा मोटर लगा के चलते हैं। दोस्तों सुनिए इनसे, ये बड़े एक्सपीरियंशियल काइंड ऑफ ट्रेनर हैं और कोई भी बातें मुंह से नहीं बताते, हाथ पैर चलाते हैं, मतलब चलाते हैं मतलब एक्टिविटी कराते हैं। राजेश, इस प्रोग्राम में हमारा सबसे खास बात यह होगा, एक तो नायर साहब का विजडम हम लोग पाएंगे ही पाएंगे उनके डिलीवरी से,
नयन कोटियन साहब का जो प्रोफेशनल इंसाइट्स है हम लोगों को मिलेंगे ही, साथ में हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज करेंगे, उसमें से एक एक्टिविटी होगा ये डर से आगे मुक्ति पाने का एक्टिविटी। डर जो है उसको इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे उसको हम कहते हैं फियर, फियर, एंड उसका फुल फॉर्म ज़िग-ज़िग्लर कहते हैं, FEAR, फुल फॉर्म कहते हैं फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। क्या बात है, FEAR, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। ज्यादातर हमारे जो लाइफ के डर होते हैं, ये बिजनेस के डर, काम करने के डर, काम छोड़ने के डर, डेलीगेट करने के डर, कोई भी चीज को किसी से करवा पाने के डर, खुद करने के डर, खुद ना कर पाने के डर, ये सब के सब काल्पनिक होते हैं, यानी ये रियल नहीं होते हैं। हम लोग मन में ऐसा बिठा देते हैं कि हम लोगों के अंदर वो डर हमेशा के लिए बैठा रहता है, वो निकलता नहीं। एविडेंस है नहीं ये साबित करने के लिए कि ये जो हम सोच रहे राइट है, लेकिन हम अपने आप को मना लेते हैं कि ऐसा ही होगा। ये 3 दिन के प्रोग्राम में हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी करने वाले हैं, ये एक डर को हमेशा हमेशा के लिए प्रैक्टिकली आपके जीवन में से हमेशा के लिए निकलने वाला एक एक्टिविटी करेंगे। उसमें आपको पता चलेगा, वो एक्टिविटी से पहले आप देखेंगे कि आप कितना डर रहे हैं, आपके बदन महसूस करेगा, आपका हर सांस महसूस करेगा कि कितना डर हो, और उसके बाद वो डर में से आप बाहर निकलेंगे। और डर में से बाहर निकलने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये डर आपको क्यों लग रहा था और ये कितना फॉल्स था, और उस फॉल्स में से बाहर निकलने के लिए जिंदगी का हर वक्त जब जब डर होता है उस डर से बाहर निकलने का एक परमानेंट लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशन लेकर जाएंगे आप। एंड वही एग्जैक्टली होगा डर के आगे जीत है कार्यक्रम। बिल्कुल, ये होगा हमारा सेकंड पार्ट, यू नो, जो डर के आगे जीत, इसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हर एंटरप्रेन्योर का डर को मिटाने का और उसका तहस नहस करने का हम लोग उधर कार्यक्रम चलाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी आप डर रहे हैं तो मैं कहूंगा अगस्त में वो 3 दिन हमारे साथ जुड़ जाइए, हम उस डर का खात्मा कर देंगे और इस तरीके से करेंगे कि डर भी आपसे डरने लगेगा। 29th, 30th and 31st August को हम MB वैली लोनावाले के करीब ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। कहां कर रहे हैं? नाम MB वैली में, MB वैली, ओह माय गॉड, the MB वैली में काम कर रहे हैं। अभी वापस खुल गया है, इट इज अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, मतलब आप पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक वहीं पर रहेंगे। 24 घंटा मल्टीप्लाइड बाय 3 डेज आपको हमारे साथ रहना है, हाई एनर्जी, हाई इंपैक्ट, मैड प्रोग्राम, जिंदगी भर याद रखने लायक, ऐसा कोई भी काम आपने कभी नहीं किया गा। मतलब उसमें एक्शन भी होगा, उसमें रोमांस होगा, उसमें ड्रामा भी होगा, उसमें नाच भी होगा, नाच भी होगा, गाना भी होगा, अंडरस्टैंडिंग भी होगा, गहराई भी होगा, मारेंगे, पीटेंगे, जलाएंगे आपको और चलाएंगे मालूम नहीं किस पे, लेकिन आपके साथ बहुत जबरदस्त कार्यक्रम बर्ताव करेंगे। नहीं, ये, मैं वही डर रहा था अभी कौन सा शब्द यूज करेंगे। और ये प्रोग्राम का नाम भी बड़ा पावरफुल रखा गया है। हाँ। ये जो प्रोग्राम का नाम है, यू नो, इतने दिन की हमारा रिसर्च के बाद ये निकला है, एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन का गुरुकुल। और आपने जो रिसर्च की बात की, मेरे ख्याल से मैं ये चीज अभी टेबल पे रखना चाहता हूं, ये क्या रिसर्च था, सॉलिड रिसर्च, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूं अभी डंके की चोट पे कि जितने भी प्रोग्राम्स हमने बनाए थे आज तक स्मार्ट में 19 सालों में, छोटे बड़े जो भी है, बड़े पावरफुल रहे, लेकिन बनाने का एक तरीका हुआ करता था, हम अपने दिमाग में जो आता है उसको बना देते थे। इस बार क्या हुआ, और हमको जो ठीक लगे हम सिखा देते, हम करते थे और अच्छा ही होता था। इस बार एक अलग अद्भुत चीज हुआ है, इस बार हमारे पीछे एक शख्स पड़ गए। अब ये शख्स कौन है, अगर आपकी परमिशन है तो मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं। बिल्कुल बताइए। ये एक अलग प्राणी है। हाँ। इतने इंटेंस है, इतने मेथोडिक है, इतने सिस्टमैटिक है, ये हमको चैलेंज करते थे, तो हम बोलते थे चलो ऐसा करते हैं, वो हमको 10 क्वेश्चन करते थे, और ये कर दिन रात, मतलब हमारा दिन का चैन, हमारा रातों की नींद इन्होंने उड़ा दी। लेकिन ये एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर है, तो बहुत सौभाग्य से हमारे स्मार्ट में ये जो प्रोफेशनल से कंटेंट राइटर की टीम है, उन्होंने इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर दिया है, उसके अंदर कूट कूट के इंटेंसिटी भर दी है, और मेरे ख्याल से ये जायज बनता है साहब कि इनको हमको बुलाना है। बिल्कुल बुलाना, हाँ, बुलाना ही पड़ेगा। और ये इनके आने के बाद हमारा जो एक ऊर्जा, जो सोच देखने का नजरिया, सोच और ऊर्जा जो हमको मिली है, जो बोलते हैं ना सोच का चक्रव्यूह, हालात का चक्रव्यूह, ऊर्जा के चक्रव्यूह से हमारा सोच का एक चक्रव्यूह था,
भले हम दुनिया के सोच को बदलते थे, हमारा भी एक सोच का चक्रव्यूह बन चुका था, ये हमको भी नहीं पता चला। हमारे भी हालात की वजह से हम एक चक्रव्यूह में फंसे हुए और हमारी ऊर्जा भी कहीं ना कहीं अटक अटक के निकल रही थी। ये जब हमारे को इसके आने के बाद समझ में आ गया तो हम लोग तीनों ने उसको नमन किया और हमने कहा, बाबा हमको गाइड कीजिए और हमको डायरेक्ट कीजिए, हमको बताइए कि ये जो चीज़ें आपने सर्वे किया है, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने स्टडी कराया और ये सर्वे और स्टडी करने के बाद उन्होंने हमारे साथ बात करके झगड़ा करके ये प्रोग्राम का निर्माण किया है। तो बिल्कुल आप बुलाइए, आप तो महाशय हाजिर हो, प्रमोद जी को बुलाया जाए। ये है प्रमोद, प्रमोद प्रसाद, हमारे कंटेंट के हेड। दौर से देखिए इस इंसान को, दौर से देखिए, यही है वो जिन्होंने हमारी दिन की चैन और रातों की नींद हराम कर दी। और आपकी उड़ाने के लिए हम लोग जो आ रहे हैं वो इसके छत्र छाया की वजह से ही हम लोग आ रहे हैं। प्रमोद एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्रमोद शायद कंटेंट राइटर नहीं है, वो कंटेंट इंजीनियर है। कंटेंट इंजीनियर, सो कसम मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये संस्था जो है वो आप एंटरप्रेन्योर्स के दुख से दुखी है और अगर आप सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे। तो इसलिए हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो आपको जिंदगी भर सुख देने वाला है, जिंदगी भर मजे में रखने वाला है। तो अगर आप जिंदगी भर सुखी रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इन तीन दिनों को कभी मिस मत कीजिएगा। ये वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोग्राम है, प्लीज अटेंड इट, डोंट डेयर टू मिस इट। ओके, वंडरफुल। एंड इफ दे मिस इट देन दे विल लूज द अपॉर्चुनिटी, फिर उन्हें सीखना पड़ेगा और सीखने के हजारों तरीके हैं, बट वो सारा निचोड़ अगर एक जगह पे आपको मिल रहा है तो आप इधर उधर क्यों भटके। तो सीधे यहाँ चले आइए, तीन दिन अपनी लाइफ के निकालिए आपकी लाइफ को और मजबूत बनाने के लिए, आपके बिजनेस को मजबूत बनाने के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन को खुद ब खुद चलने वाला बनाने के लिए, ताकि आप तैयार हो सके रिस्क लेने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और ये आपो ना बनने की वजह से ही, ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन ना बनने की वजह से ही हम रिस्क नहीं ले पा रहे, हम एनर्जी नहीं दे पा रहे, हम बिलीफ को पैदा नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम फंस गए, हम बुरी तरह से एंटरप्रेन्योर चक्रव्यूह में फंस गए और हमें पता भी नहीं है। और आजू बाजू में देखेंगे जो अपने दोस्त है, यार है, वो भी उसी स्टेट में, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम कोई इससे बेहतर कुछ हो सकता है। वो भी रात को 10-11 बजे तक काम करता है, वो भी 24 घंटा फोन कर रहा है, वो भी 24 घंटा हर चीज में हाथ डाल के बैठा हुआ है। तो किसी को ये समझ में ही नहीं आया था जब तक हम लोगों ने, जैसे नैन साहब हमेशा कहते, वी आर द ओनली कंपनी Which has studied entrepreneurship, और हम खुद एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। हम कोई प्रोफेसर नयन कोटियन नहीं है, ना ही हम प्रोफेसर राजेश टैगोर है, ना ही हम प्रोफेसर नायर है। हम एंटरप्रेन्योरशिप के जो दर्द है, जो इन्होंने कहा कि आप दुखी है तो हम दुखी है, आप अपसेट है तो हम अपसेट है, आप डाउन है तो हम डाउन फील करते हैं, ऐसा महसूस करके चलाने वाले। और हमारी पूरी जो टीम है, वो भी हमारा जो ट्रेनर का टीम है, जो रिव्यूइंग का टीम है, हम सभी लोग बहुत गहराई से आपको समझते हैं, हम दिल में उतारते हैं। हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है, हम लोगों यो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो दिन भर प्रॉब्लम सुनते सुनते, ज़्यादातर आत्महत्या तो साइकेट्रिस्ट लोग ही करते हैं। कई बार हमको भी आपका दुख की वजह से ऐसा करने का इच्छा हुई थी, लेकिन फिर हमने उसको पोस्टपोन कर दिया, फिर आपको कौन संभालेगा और 29, 30 और 31 का ये प्रोग्राम को कौन चलाएगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने इस आत्महत्या का जो कार्यक्रम है इसको पोस्टपोन कर दिया इनडेफिनेटली, कहा कि चलो और भी, क्योंकि 50 लाख लोगों को टच कर चुके हैं ऑलरेडी, 5 मिलियन पीपल को हम लोग टच कर चुके हैं और हमारी कंपनी कलेक्टिवली हमारे ट्रेनर लोग 50 लाख आदमी लोग को टच कर चुके हैं। 200 टॉप कंपनियां, जो वर्ल्ड की टॉप कंपनियां, उनको टच कर चुके हैं। 20,000 के करीब गुरुकुल के माध्यम से हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को 11 से 15 सिटीज में टच कर चुके हैं। और ये सब चीजें जब हम लोग प्रमोद को बताते थे, वो अपना जूस लेते थे, हमारे से क्वेश्चन पूछते थे, और उसका नतीजा बना ये प्रोग्राम, जिसमें एक और चीज जो हम लोग करने वाले हैं, जो है इंटेंशन वर्सेस एक्शन। प्रॉब्लम क्या है, अपना एक्शन चालू है, एक्शन पे एक्शन लेते रहते, लेकिन हमारा एक्शन लेने के पीछे इंटेंशन क्या है, हमारा एक्चुअल मूल सिद्धांत विचार क्या है, ये विचार के ऊपर हम लोग कभी नहीं करते। तो
तो जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि आपको बनना चीफ इंटेंशनैलिटी ऑफिसर, आपका इंटेंशन प्योर इतना होना चाहिए कि रिजल्ट और इंपैक्ट आप हर 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, आधा घंटे में आप बात करें तो रिजल्ट और इंपैक्ट होना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, एंटरप्रेन्योर सुबह शाम रिपीट कर रहा है, हर हफ्ते रिपीट कर रहा है, हर महीने वो रिपीट कर रहा है, हर साल वो सेम चीज रिपीट कर रहा है, लेकिन वो इंपैक्ट पैदा नहीं हो रहा क्योंकि वो इंटेंशन उसका क्लियर नहीं है। कहते हैं कहते हैं रनिंग फास्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, रनिंग फास्ट इन द राइट डायरेक्शन इज एब्सोल्युटली। तेज दौड़ना महत्वपूर्ण नहीं, सही दिशा में तेज दौड़ना महत्वपूर्ण है। लोग जीवन में तेज दौड़ने के रेस में दौड़ते दौड़ते इतना तेज गलत दिशा में दौड़ के चले जाते हैं कि वापस आना नॉर्मल जगह पर जहां पे बताने वाला भी तो कोई नहीं है ना राजेश। बिल्कुल, कोई बताने वाला भी नहीं। और हम इतने कभी कभी ईगो में आ जाते हैं कि हमको कौन सिखाएगा, हमको तो 25 साल का तजुर्बा है। तो हमारे गुरु बोलते हैं एक्सपीरियंस इज अ स्टेज वेयर यू बिकम कंफर्टेबल विद योर इग्नोरेंस। आपको सिर्फ वही मालूम है जो मालूम है, और जो नहीं मालूम, जो नहीं मालूम और जो नहीं मालूम, वो जो नहीं मालूम है वो ना मालूम करने की एक स्टेट है। और फिर तेज भाग रहे और एक्शन पे एक्शन ले रहे, कहां जा रहे, क्या इंटेंशन है, क्या बना रहे। तो ये जो एक टूल बनाया है हम लोगों ने, ये टूल इंट्रोड्यूस होगा और इसको कहते हैं द स्मार्ट इंपैक्ट एंड रिजल्ट मैक्सिमाइजेशन टूल। एंटरप्रेन्योर गुरुकुल एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो प्रोग्राम है, इसमें सबसे पहला हम लोग इंटेंशन को क्लियर करने के लिए जो एक टूल बनाए हैं, और ये टूल आपके साथ जब शेयर करेंगे आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। आपको समझ में आएगा कि आपका 20 में से तो 18 साल वेस्ट हो गया, मतलब काम 2 ही साल का हुआ है, इंपैक्ट 2 ही साल का हुआ है, लेकिन 20 × 365 डेज काम हुआ है, एफर्ट हैज बीन पुट, मतलब भयंकर मेहनत हुआ है, 365 दिन मल्टीप्लाइड बाय 20 इयर्स, लेकिन एक्चुअल काम सिर्फ 2 ही साल का हुआ है उस 20 साल में, क्योंकि इंपैक्ट को नहीं पैदा कर पाए, रिजल्ट को पैदा नहीं कर पाए, क्योंकि इंटेंशन जो था वही क्लियर नहीं था। तो इंटेंशनैलिटी का ये टूल जो आपने देखा, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन बहुत ही सिग्निफिकेंट टूल है, क्योंकि ये टूल के बगैर जब आप काम करते हैं, एक काम जो 2 घंटे में हो सकता है उस चीज को आप 2 महीना 6 महीना 8-8 महीना लगाते हैं, हर और काम भी नहीं होता, और फिर भी वो काम उस तरीके से नहीं होता क्योंकि उसका पूरा इंटेंशन को आपने शुरू से एंड तक देखा ही नहीं। और इसीलिए ये टूल आपकी जिंदगी को कंप्लीटली बदल देगा। दूसरी भी एक बात है इस टूल के बारे में, ये टूल हर एक एक्टिविटी में काम आएगा, चाहे आप सेल्स का रिजल्ट लाना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, चाहे आप डीलर नेटवर्क बनाना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, बिजनेस में नया चीज लाना चाहते हैं, किसी कंपनी के साथ आप टाई अप करना चाहते हैं, कहीं दूसरे कंट्री में जाके आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, हर एक डिसीजन बनाना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, एचआर का पूरा डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, या पूरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डालना चाहते हैं, या कंपनी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ये टूल आपको हर क्षण आपको काम में आने वाला है। और जहां तक मेरा समझ है, मुझे लगता है ये टूल अगर आप बनाएंगे ना, ये आपको फ्रीडम देगा, क्योंकि सारा भार और लोड आपसे ये अपने एक्सपर्ट्स पे ट्रांसफर कर देगा। आई थिंक प्रमोद सर को हम लोग, प्रमोद जी थैंक यू वेरी मच, और बीच बीच में आइए, जब हम लोग बात करेंगे आपको कोई ख्याल है या विचार आते हैं तो आते ही रहते हैं, आपके तो विचार और ख्याल ही उमड़ उमड़ के आते रहते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप बीच बीच में आके हमें मार्गदर्शन कीजिए और हमें गाइड कीजिए, ताकि हम ये प्रोग्राम को इतना बेहतर, इतना बेहतरीन, इतना सुंदर, इतना अद्भुत, इतना महान, इतना सॉलिड बनाएं कि ये एक प्रोग्राम होगा जो आपके जीवन का अगला 50 साल का फाउंडेशन बनने वाला है। ये प्रोग्राम आपका जिंदगी का फाउंडेशन बनने वाला है, और इसी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए हम वहां पर आपको सिखाएंगे कि यूटीएस एक्टिविटीज क्या है। ये अभी हम नहीं बताएंगे, यूटीएस एक्टिविटीज कर रहे हैं आप अब, यू कितना कर रहे, टी कितना कर रहे, एस कितना कर रहे, तो अपने को पता चल जाएगा उधर 29th, 30th और 31st के। और जब ये समझ में आ जाएगा ना, तो आप ये प्रकार का आईना है, जिस आईने में आप अपने आप को देखते हो कि क्या क्या है, क्या क्या कमी है, हर चीज आपको बड़े क्लियरली साफ तरीके से नजर आ जाएगा, और आप बनेंगे CPRO,
थोड़े देर पहले आप चीफ रिस्क ऑफिसर बने हो, गेम खेलने के बाद आप रिस्क ऑफिसर बन जाएंगे, आप बनेंगे CPRO यानी चीफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोग काम करने वाले हैं, यू नो। तो इसके बाद हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, मेरे ख्याल से पूरे चार दिन तीन दिन के प्रोग्राम में लगातार हमारा एक्टिविटीज एक्सरसाइजेस होते रहेंगे, कुछ लोगों से करवा के करते रहेंगे, गेम्स खेलते रहेंगे, यू नो सब के सब चलता रहेगा। और ये वाला जो एक्टिविटी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बीइंग माइंडफुल, ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्टिविटी होने वाला है। इस एक्टिविटी से एक्चुअल लाइफ में हम लोग किस प्रकार के गलतियां करते हैं और वो गलतियां क्यों करते हैं वो रियलाइज होते हुए 100% लाइफ टर्म के लिए उस प्रकार की गलतियां माइंडफुल रहने के बारे में एलिमिनेट कर पाएंगे। और आप बन जाएंगे अलर्ट, आप बन जाएंगे क्यूरियस, आप बन जाएंगे रिस्पॉन्सिव और आप बन जाएंगे रिसोर्सफुल, ये सब चीज़ें करने की वजह से। तो ये करने के बाद हम यू नो मेरे ख्याल से अगले दिन में जाएंगे और अगले दिन में हम देखेंगे कि आपको एक्चुअली करना क्या है। आपो बनाना है ना, आपो, तो ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि आप टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस कामों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रेडिक्टेबल कामों में कर रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल कामों में कर रहे हैं। किसका काम है प्रेडिक्टेबल काम करना, किसका काम है अनप्रेडिक्टेबल काम करना? और अगर आप नहीं कर रहे हैं जो भी आपको करना है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। और यहां से हम लोग आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से आपका टाइम को कैसे वापरना है और आपका प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करना है। क्योंकि आप 10, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटा काम करते होंगे, लेकिन क्या आप प्रोडक्टिव है? तो प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीजें हम लोग बताएंगे। और ये जैसे ही आपको समझ में आ गया, आप बन जाएंगे चीफ प्रोडक्टिविटी ऑफिसर। नॉट ओनली आप खुद यू नो चीफ प्रोडक्टिविटी ऑफिसर बनेंगे, आपको प्रोडक्टिविटी का परिभाषा जो है, आपको प्रोडक्टिविटी का जो समझ है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो इमीडिएट सबॉर्डिनेट, अगर एक वाइस प्रेसिडेंट है या CEO है या मैनेजर है या GM है या जो भी है, उसका प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, ये बात की भी आप समझ को बढ़ा पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना उपर? चाहता हूं, जैसे आपने कहा ना अनप्रेडिक्टेबल, आप कोई भी एंटरप्रेन्योर को ले लो, सैंपल साइज ले लीजिए, आप भारत में भ्रमण कर लीजिए, ईस्ट से लाइए, वेस्ट से लाइए, नॉर्थ से लाइए, साउथ से लाइए, या बाहर जाइए आउट ऑफ इंडिया, और उन एंटरप्रेन्योर को पूछिए आपका दिन का एक्टिविटीज, वो क्या करते हैं दिन भर। जो भी वो कहेंगे, मेरा दावा ये कि उनके उस लिस्ट में ज्यादातर 95% से ज्यादा सिर्फ प्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज होगा और वो कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि इनको अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटी क्या है इसका भी भान नहीं है, क्योंकि उस रोज की जिंदगी में वो इतने त्रस्त है और इतने स्ट्रेस्ड है और इतने मशरूफ है कि अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटी होता क्या है जो एक्चुअली एक एंटरप्रेन्योर करना चाहिए वो जानते नहीं है। और इसीलिए कंपनी के अंदर प्रोडक्टिविटी होता ही नहीं है। एब्सोल्युटली, इसीलिए वो रिस्क नहीं ले पाता, डर जाता है, क्योंकि वो काम में कर रहा है जो एक मैनेजर को करना चाहिए। तो कैसे इससे निकलना है इसके बारे में हम बात करेंगे। और हम हमेशा बोलते हैं आपका कंपनी का सबसे एक्सपेंसिव रिसोर्स कौन है, तो आप हैं आपके कंपनी का सबसे एक्सपेंसिव रिसोर्स। अब ये जो आप है, आपका सबसे एक्सपेंसिव रिसोर्स क्या है, वो है आपका टाइम। और आप कहां उसको डाल रहे हैं, किस चीज में डाल रहे हैं, क्या प्रेडिक्टेबल कामों में डाल, ये सब चीजें चर्चा होगी ये वाला। और सबसे महान, उसके बाद हम उतारने वाले हैं एक जबरदस्त कुछ बताना चाहेंगे आप ही बता दीजिए। यहाँ पे तो लिखा है कि द स्मार्ट 6C लिबरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। मेरे ख्याल से इसमें लिबरेशन, देखिए कितने गहरे गहरे शब्द है, एक तो है लिबरेशन, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इन दो शब्दों को ही ले तो क्या क्या करें, ये कौन से 6 C's है जिससे आपको लिबरेशन मिले। लिबरेशन मतलब मुक्ति, रोज के झंझाल से मुक्ति, रोज के परेशानियों से मुक्ति और फ्रीडम, कंप्लीट लिबरेशन। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपके सिस्टम में, आपके लोगों में, आपके प्रोसेसेस में,
आपके पूरे एक ऑर्गेनाइज जो आपका एक सेटअप है उसमें कंटिन्यूस बेसिस में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें, ये समझने के लिए हम आपको सिक्स सीज बताने वाले हैं। सिक्स सीज को रिवील करना है, सस्पेंस ये बिल्कुल नहीं करना। 29, 30, 31 अगस्त या तो हम लोग आपको ये भी सिखाएंगे और उसके बाद हम लोग आपको लेके जाएंगे एक महान प्रोग्राम जिसका नाम है क्षितिज सफर और सफर। अच्छा, सफर या सफर, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ज्यादातर हम लोग है ना फ्यूचर में बड़ा बड़ा काम करने के बारे में सोचते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। ये दुखी क्यों रहते हैं और ये दुखी नहीं रहना तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हमें फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें पास्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, ये हम लोग दिखाएंगे। और आपको हम लोग एक नया बुक लॉन्च करेंगे, सॉलिड बुक, आउट ऑफ द वर्ल्ड बुक, और इसका नाम है द विक्ट्री बुक। इसमें क्या करना है ये तो अभी हम बता नहीं सकते, लेकिन इधर भी आप कुछ गेम खेलने वाले हैं। हमने बिल्कुल, सुना बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल है सबके बॉल के साथ काम करने वाले इसको सेंसर करना पड़ेगा नहीं, ये बॉल के साथ कुछ करने वाले हैं। अच्छा, वो क्या बॉल के साथ करने वाले ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बॉल के साथ खेलेंगे। नहीं, हम लोग ये पूरे प्रोग्राम में गेम्स खेलते हुए, एक्टिविटीज करते हुए सेम चीज को सीखने को कोशिश करेंगे। एक जो चीज होता है ना, जब हम सुनकर सीखते हैं उसका एक इम्पैक्ट कुछ हद तक रहता है, जब हम कुछ करके सीखते हैं उसका इम्पैक्ट उसका कम से कम 100 गुना ज्यादा रहता है। ऐसा एक प्रोग्राम ये होने वाला है जहां पर ये गेम्स और एक्टिविटीज सीख कर इन्वॉल्व होकर ये प्रोग्राम को सीखने की वजह से ये प्रोग्राम तो हो जाएगा खत्म 31 अगस्त को, मगर इसका इम्पैक्ट, इसका डिसीजन मेकिंग, इसका असर जो है आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद भी पूछेंगे आपको कि आप उस प्रोग्राम में क्या सीखा था, तो ये सीखा था, आप क्लियर कट बता पाएंगे, यही है इस प्रोग्राम की खास बात। वहां से हम लेके जाएंगे आपको गंगोत्री, गंगोत्री तो चैप्टर का नाम होगा मूविंग टू गंगोत्री, क्योंकि आप शुरू तो किए थे गंगोत्री से, आप नीचे उतरे और आप गंगा बन गए और गंगा मैली हो गई। और मैली कैसे हो गई, मतलब आप उस गंगा में हैं जहां पर कूड़ा कटकट ये वो प्लास्टिक का ये मतलब बाटली ये वो, मतलब आप मैले हो गए हैं और हर दिन आपको मैला किया जा रहा है, आप प्योरिटी से हटते जा रहे हैं और इसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी खलास होता जा रहा है। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको 3S बोलता हूं। आप इतना मैला हो चुका है कि आपका 3S मिसिंग हो गया, सेंस, सेंसिटिविटीज एंड सेंसिबिलिटीज। आपको एक एक पूरा मार्केट का एक सेंस होना चाहिए, लेकिन मैली गंगा सेंस नहीं कर पा रही। मैं गंगा बन गया, मैं सेंस नहीं कर पा रहा और मैं सेंसिटिव नहीं हूं जो चीजें हो रही है, और मेरी सेंसिबिलिटीज भी चली गई है। एंटरप्रेन्योरशिप यू नो बड़ी बड़ी भयानक एक एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस। अगर आपने सेंस और सेंसिटिविटी और सेंसिटिविटीज सेंसिबिलिटीज को गवा दिया ना, ये एक पनिशमेंट हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप एक पनिशमेंट हो जाएगा, दुनिया आपको दौड़ाएगी। हाँ, मतलब या तो एंटरप्रेन्योरशिप के सभी पनिशमेंट्स आप लीजिए या एंटरप्रेन्योरशिप का सभी फ्रीडम और लिबरेशन का एंजॉय कीजिए, पवित्रता का आनंद लीजिए। मतलब एंटरप्रेन्योर वो होना चाहिए जो सुबह उठता है बोलता है मुझे ऑफिस जाना, मुझे लोगों से मिलना है, मुझे नया प्रोडक्ट बनाना है, मुझे नया मेरे 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 को नया कोलैबोरेशन करना है, मुझे नई फैक्ट्री डालना है और मेरा इतना बढ़िया हो रहा, काम इतना बढ़िया हो रहा, प्रॉफिट इतना बढ़िया हो रहा, स्पीड इतना बढ़िया हो रहा, प्रोडक्टिविटी इतना बढ़िया हो रहा, कॉस्ट इतना कम हो रहा, सब कुछ इतना बढ़िया है, वो सुखी है, मैं अपने बीवी के साथ वक्त बिता पा रहा हूं, मैं बच्चों के साथ वक्त बिता पा रहा हूं, मैं हेल्थ के लिए टाइम दे पा रहा हूं, मैं रिश्तों के लिए टाइम दे पा रहा हूं, मैं दोस्तों के लिए टाइम दे पा रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं इतना आनंदित हूं, मैं इतना खुश हूं, मैं इतना मग्न हूं, मैं इतना दीवाना हूं और इतना पागल हूं और इतना एनर्जी में हूं, इतना लुफ्त में हूं, इतना जुनून में हूं, ये है एक्चुअली एक एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन इसका सेंस और सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी, आदमी जब गंगोत्री में चला जाता है, ये गंगा में चला जाता है सॉरी,
तो वो खलास हो जाए, तो उससे दिखता नहीं हो मैला कीचड़ वाला पानी में हम बैठे हुए हैं। और मैला और कीचड़ का मतलब है कि हमारे आजू बाजू में हम किसको सराउंड करके बैठे हुए, सही आदमी लोग को लेके बैठे हुए हैं, सही सिस्टम को लेके बैठे हैं, सही प्रोसेसेस को लेके बैठे हैं, सही विचारधारा को लेके बैठे हैं, सही अलाइंड पीपल को लेके बैठे हैं कि हॉच पॉच कुछ भी एक टीम बना के बस लेके दौड़ रहे हैं। और जब ऐसा होता है सेंस भी चला जाता है, सेंसिटिविटी भी चला जाता है, सेंसिबिलिटी भी चला जाता है। और इसीलिए हमारे को पांच तरीके से हमारे दिन को डिवाइड करना है, पांच तरीके से हमें अपना दिन को डिवाइड करना है। पहला वाला दिन है मनन, उसके बाद है रमन, उसके बाद है श्रमण, उसके बाद है आक्रमण और उसके बाद है गमन। और ये दिन क्या है, ऐसे दिन हमें क्यों डिवाइड करना है, ये सब सीखने वाले हैं हम लोग। वहां पर आएंगे तो फिर आप बनेंगे चीफ एनर्जी ऑफिसर, और तब बनेगा आप चीफ वैल्यू क्रिएशन ऑफिसर, मतलब लगातार आप वैल्यू क्रिएट करते रहेंगे, इतना वैल्यू क्रिएट करते रहेंगे कि लोगों को लगातार आपकी वजह से डायरेक्शन मिलता रहेगा, लगातार लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा, लगातार उनकी काबिलियत और क्षमता बढ़ती रहेगी। ऐसा एक ऑफिसर आप बनेंगे और आप फिर चीफ प्रोडक्टिविटी ऑफिसर और भी सुंदर प्रोडक्टिव ऑफिसर आप बनेंगे। और वहाँ पर हम लोग आपका कैलेंडर बनाएंगे और इस तरह से आपको इसके अंदर सेट करने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसके ऊपर और कुछ बोलना चाहेंगे आप? हर जो एक्टिविटी है, हर जो आपका लेसन्स होंगे उसके साथ साथ एक एक्टिविटी जुड़ा रहेगा। बिल्कुल। एक होता है कि लोगों के मन के अंदर एक प्रकार का डर है, पहला दिन हम डर मिटाते हैं, दूसरा दिन हम लोग एक नया कंसेप्ट को लाते हैं जिसको कहते हैं YGB। YGB वही है हम लोग जो डेल कार्नेगी के प्रोग्राम में सीखे थे, अपरेश आचार्य साहब ने हमको सिखाया था, यू गॉट टू बिलीव। एंड ये बिलीव क्या है और ये बिलीव हमको क्यों नहीं आता है, कहां पर खोते हैं और उस बिलीव को अपने अंदर वापस कैसा लाने का, यू गॉट टू बिलीव। हर एक चीज जो हम कर सकते हैं उस चीज को कैसे विश्वास में ला सकते हैं, उसको एक एक्टिविटी के जरिए सीखेंगे, उसके बाद इस लेसन के जरिए उसको इंप्लीमेंट कैसा करेंगे सीखेंगे। तो एक्टिविटीज आर गोइंग टू प्ले ए मेजर रोल, हर एक चीज को लाइफ टर्म इंपैक्ट करने वाला एक गेम, एक एक्टिविटी इन दोनों के साथ जुड़ा जाने वाला है। और तब राजेश, इनफैक्ट जब आपने बोला ना यू गॉट टू बिलीव, जब हमारे पास कोई कोच नहीं होता, जब हमारे पास कोई गाइड नहीं होता, कोई मार्गदर्शक नहीं होता, तो हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं लेकिन वो रिग्रेसिव होते हैं। लेकिन जब हमको कोई गाइडेंस मिलता है, कोई सूत्रधार मिलता है, तो हमारे पीछे जाने वाला, करेक्ट राइट, आपको पीछे खींचने वाला। तो जब आप एक कोच के साथ जुड़ जाते हो, आप एक संस्था के साथ जुड़ जाते हो, तो आपके बिलीफ प्रोग्रेसिव बनते हैं, मतलब जिसमें आप और अपनी संस्था को आगे लेके जाते हैं। तो यू गॉट टू बिलीव मींस यू गॉट टू बिलीव इन प्रोग्रेस, इन प्रगति, इन ग्रोथ, राइट? एग्जैक्टली। मैं वहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी शायद देना चाहूंगा। हमने बचपन में कहानी सुना था, एक किसान जो है एक बकरी को लेके जा रहा था, चार बदमाश मिले और चारों बदमाश मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाया। पहला आके बोला कि ये एक बकरी नहीं है, कुत्ता है, इसको छोड़ दो, मगर ये इसने खरीद के लेके गया था, किसान ने छोड़ा नहीं। कुछ टाइम के बाद दूसरे ने भी बोला है कुत्ता है, कुछ टाइम के बाद तीसरे ने भी बोला और चौथे ने भी बोला, जब तक चौथा आदमी बोला, इस आदमी का जो बिलीफ सिस्टम है वो टूट गया, सचमुच उस बकरी को कुत्ता समझकर कुत्ते को छोड़ दिया, बकरी को छोड़ दिया और चारों बदमाश ने उस बकरी को खा लिया। और, हाँ जी, ये जो है ये सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम की इन्फ्लुएंस है। हम लोग एक बकरी को कुत्ता समझ लेते हैं, हमारा एनवायरनमेंट हर वो बकरी को कुत्ता बना देते हैं और हमारा एक्शंस उस नया बिलीफ ओरिएंटेड हो जाता है, एक्चुअल बिलीफ ओरिएंटेड नहीं होता है। एंड उसी चीज को हम लोग इस प्रोग्राम के जरिए आपका एक्चुअल बिलीफ एंड फिक्शनल बिलीफ, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, एग्जैक्टली आपके सामने पोर्ट्रे कर पाएंगे, जिसके वजह से आप कभी भी फिक्शनल बिलीफ में लाइफ में दोबारा नहीं फंसेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात राजेश जी ने कहा कि फिक्शनल बिलीफ और एक्चुअल बिलीफ। एक्चुअली तो बकरी है, हम कुत्ता मान गए, एक्चुअली तो इस तरह से। और इन्होंने जो मेन बात कही, कंटिन्यूसली एक बिजनेसमैन के लाइफ में, एक धंधे वाले के लाइफ में, बिजनेस वुमेन के लाइफ में कंटिन्यूसली ऐसे बम्बार्डमेंट होते रहते हैं और वो बिलीफ गवा बैठता है। और आपको बनना है CBO, चीफ बिलीफ ऑफिसर। आपका बिलीफ ही है जो आपका कंपनी को आगे लेके जाएगा, लेकिन हर दिन आप ही कंफ्यूज है कि बकरी है कि कुत्ता है, तो इसमें तो बहुत नुकसान होने वाला है।
आप जब वो वॉल प्लास्ट के बारे में बात कर रहे थे, 32 साल से 32 करोड़ वही जगह पर अटका हुआ था, कौन सा चीज मिसिंग था? शायद बिलीफ मिसिंग था। और यही प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर गुरुकुल के प्रोग्राम अटेंड करने के बाद वही चीज आया उनके मन में कि हम भी 1500 कर सकते हैं, और 1500 करोड़ करने के चक्कर में 7 साल में 750 करोड़ पर पहुंच गए। बिल्कुल। एंड हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यही चीज हो रहा है कि एक बार बिलीफ ट्रांसफॉर्मेशन होते होते ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करने लगता है। और कहते हैं निशाने पर नजर, कहां होना चाहिए आपका निशाना, आपका क्लाइंट किस तरह का होना चाहिए, और लगातार उस टाइप के क्लाइंट पे नजर टिका के रखना क्यों जरूरी है, किस तरह के क्लाइंट होंगे, उस क्लाइंट का एनालिसिस कैसे करना है, ये भी एक बहुत ही सुंदर गेम के साथ, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है लगातार क्लाइंट भी ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, लगातार हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं ये भी ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है, क्योंकि आदत लग जाती है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइंट्स के साथ काम करने की, और संस्था, पूरी संस्था उसी टाइप को क्लाइंट को केटर करने में लगी रहती है कि लगातार किस तरह के क्लाइंट होने चाहिए और इन आदतों को कैसे मिटाना चाहिए, क्योंकि आदत से हम मजबूत हो चुके हैं, है ना, मजबूर नहीं है, मजबूरी कोई नहीं है कि यही टाइप के क्लाइंट के साथ करना है और यही टाइप से काम करना है, तो आदत से हम मजबूत हो चुके हैं और इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। और देखिए, आपको तो चीफ एनर्जी ऑफिसर बन के रहना है, जब तक आप, जैसे मैं और हम लोग जब ये कंपनी चला रहे हैं, मुझे तो बोलते ना चिरंजीवी भव, यू नो, आपको कभी भी एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए, आपका दोस्त किस तरह से होने चाहिए, आपके पास किस तरह से पैसा रहना चाहिए, और आप हमेशा फॉर एवर अलाइव कैसे रहेंगे, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज वी शुड नॉट हैव एंड रिटायरमेंट एटीट्यूड। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं, और रिटायर विचार रिटायरमेंट की होती है। कई बार मैं कॉलेज और स्कूल के दोस्तों को मिलता हूं, और अभी ये लोग सब, मैं तो 54 का हो गया हूं, तो मेरे जो दोस्त लोग हैं वो लोग भी मेरे को मिलते हैं, तो मेरे को हमेशा बोलते, अभी क्या संतोष, अभी तो सब बच्चों के थ्रू ही करना है, अभी क्या बचा है लाइफ में, तो मैं तो बोल रहा हूं अभी तो और मेरे को 120 साल तक जीना है, 120 तक, अभी तो मैं 54 का हूं, अभी तो कच्ची कली हूं, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे और 66 और ईयर्स जीना है, तो मुझे तो चीफ एनर्जी, जब तक मैं स्मार्ट में हूं तब तक मैं एनर्जेटिक रहूंगा, तब तक मैं एकदम बिलीफ के साथ रहूंगा, तब तक मैं प्रोडक्टिव रहूंगा, तब तक मैं चीफ बिलीफ ऑफिसर रहूंगा, तो इसमें तो उम्र आपका होना नहीं चाहिए, लेकिन उम्र हो जाती है, जिंदगी की मार, जमाने की ठोकर, एंटरप्रेन्योरशिप के रॉन्ग चीजें करने की वजह से, एंटरप्रेन्योरशिप में आप रॉन्ग चीजें करेंगे ना, पनिशमेंट मिलता है, रोज एक पनिशमेंट होता है, रोज इतना पनिशमेंट मिल चुका है कि अब हमारा विश्वास ही नहीं रह गया कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी ए पनिशमेंट और इट कैन बी ए बून, तो इससे चिरंजीवी कैसे रहना है, एक्चुअली इसको मैं संक्षेप में बोल सकते हैं, मौत को मात देना है, मौत को मात देना। कहा जाता है कि एज तीन प्रकार के होते हैं। अच्छा, पहला प्रकार को एज को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है योर एज अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर, आप कौन से साल पैदा हो और उसके बाद कितने, जैसे मैं 54 का हूं, आपके 54 के हैं, मैं 48 का हूं, नयन सब 49 के होने वाले अगले महीना, सो दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज। दूसरे प्रकार को एज को कहते हैं बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज का मतलब है आपका शरीर अब कितना बुढ़ा हो चुका है, आप हो सकते हैं 55 के हैं मगर आपका शरीर आज भी 32-33 साल के नौजवान जैसा भटक सकता है, घूम सकता है, दौड़ सकता है, खेल सकता है, बात कर सकता है, एनर्जेटिक रह सकते हैं। वही 55 के एज में आप 75 के बॉडी भी बन सकते हैं। आपकी बॉडी के, आपके ऑर्गन से, आपका हार्ट, आपका स्किन, आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितना है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल। तो पहला हो गया क्रोनोलॉजिकल, दूसरा हो गया बायोलॉजिकल, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल एज। साइकोलॉजिकल एज का मतलब है आप जिस किसी उम्र के हैं, आप समझते क्या हैं अपने आप को, यू नो, कोई कोई 20 की उम्र में अपने आप को 70 का समझ सकता है और कोई कोई 70 की उम्र में अपने आप को 20 का समझ सकता है। जब आप अपने आप को 20 का समझते हैं
तो 70 की उम्र में भी 20 की हरकत करते, 70 की उम्र में भी आप इंस्ट्रक्शन लेते, 70 की उम्र में भी आप रिस्क लेते, 70 की उम्र में भी नया नया कार्य करते हैं, इनोवेट करते हैं। इन जो केएफसी का जो मालिक है कर्नल सैंडलर्स, उन्होंने 66 की उम्र में उनका जीवन का पहला बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि वो 66 की उम्र में रिटायर्ड अपने आप को नहीं समझे, वो साइकोलॉजिकली अपने आप को जवान समझ रहे थे, नया चीज करने का लायक समझ रहे थे। एग्जैक्टली वही चीज है चिरंजीवी भव। हम चिरंजीवी भाव में हर इंसान को वो साइकोलॉजिकल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज के जो माइंडसेट है उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। हम 100 की उम्र में भी जवान हो सकते हैं, 120 में भी जवान हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं उस प्रोग्राम में हम लोग डिस्कवर करने वाले। बिल्कुल, और ये सब करने की वजह से हम निकलेंगे टूवर्ड्स आपो, यानी ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आप निकल जाएंगे। और एक बार ये पूरा 3 दिन का प्रोग्राम आप बैठ गए तो ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनना है ये तो आपका समझ आ जाएगा। तो ये एक ऐसी संस्था होगी जहां पीपल होंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे, जहां प्रोसेस होंगे जो इंस्टीट्यूशनलाइज होंगे, जहां टेक्नोलॉजी होगा वो क्रिएटिव होगा, जो सिस्टम होंगे वो रेजिमेंटेड होंगे, जो कस्टमर होंगे वो रिच होंगे, जो रेवेन्यू होगा वो मल्टीप्लाई होगा। इस तरह का एक आपो कंपनी आप बनाएंगे, और ये सब चीज़ें बनाने के साथ साथ हम आपको एक जबरदस्त एक्सरसाइज कराएंगे, सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस जिसको इसको सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस जो राजेश साहब ने खास इसको बनाया है, और इसमें खास वो बताते हैं कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं कि ये आप... चीज हम बताना नहीं चाहिए, वो सेल्फ बिल्कुल नहीं बताना, सस्पेंस रखना चाहिए। 6 types ऑफ बिजनेसमैन, ओहो मैंने बता दिया, कट करो ये बताना नहीं है। नहीं कट नहीं करो, यहाँ पे जो नंबर दिए हैं उसमें आप अभी फोन करके एनरोल करो। हाँ, बिल्कुल इस नंबर पर फोन करके। ये 3 दिन का प्रोग्राम 29, 30 and 31 रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, एमबी वैली में होगा। ये प्रोग्राम के बाद भी कुछ होगा, जरूर होगा, क्योंकि हमने जैसे भी कहा हमारे पास एक रिव्यू टीम है, एक 30 लोगों की बहुत ही सशक्त टोली है, मतलब एक्चुअली वो 30 जन की टीम भी हमारे साथ मिलते हुए सारे एक्टिविटीज में एंटरप्रेन्योर्स को उस प्रोग्राम में असिस्ट करते रहेंगे। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी ओनली 3 of us, आपने ये भी, हाँ अच्छा, इट्स नॉट ओनली गोइंग टू बी ओनली 3 of us जो कि इस प्रोग्राम में आपको फैसिलिटेट करेंगे, वहां पर आपको इन्वॉल्व करेंगे, एडुकेट करेंगे। इस प्रोग्राम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में पूरे 30 जन का टीम होगा, और ये पूरे 30 जन का टीम कंटिन्यूअसली आपको ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी, अच्छा ये इसमें से एक एक लोगों को आपका मेंटर भी बनाया जाएगा। बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि मुझे बताया गया है कि 90 डेज तक आपका मेंटरिंग चलता रहेगा, मतलब 3 दिन का प्रोग्राम नहीं है, मतलब ये एक्चुअली 93 डे का प्रोग्राम है। इसी पैकेज में कि उसका ये पैकेज के अंदर ही आ जाएगा, ये पैकेज के अंदर ही करने के चक्कर में है हम लोग। एंड ये जो है हम लोग आपको एक मेंटर असाइन करेंगे, तो इसमें हम लोग एक ऐप भी बना रहे हैं जिसमें आपको रेगुलरली हम लोग वीडियोस भी देंगे। Correct. जिसमें रेगुलरली उस ऐप में ग्रुप्स में चर्चा होगी, आपको अपना प्रॉब्लम्स बताना है और वो प्रॉब्लम्स को हम लोग साथ में मिलके डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से, उसका सॉल्यूशन ऑडियोस के माध्यम से, उसका सॉल्यूशंस हमारे ये जो रिव्यू टीम है उनके माध्यम से आपको ये सब चीज़ें कराएंगे। तो मतलब हैंड होल्डिंग होगा, करीबन 90 दिन तक इसको हम लोग हैंड होल्डिंग करेंगे, तो आपके पास एक पर्सनल कोच भी होगा, ऐसा मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरा, ये जो प्रोग्राम है इसमें और क्या खास बात है? इसमें देखिए, ऐसा एक तो हैंड होल्डिंग तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ में आपको मेंटरिंग तो होगा ही, उसके साथ साथ में आपको ऐसे हम रेडी कराएंगे जिससे आपका जो आपो से आपको आईओ में जाना है, आईओ उसके लिए भी तैयार करेंगे। आईओ मतलब ऑटो एक्सपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। हाँ। ये कहानी आपको अगले पड़ाव पर ले जाएगी जहां पे आप वैसे सशक्त होंगे कि आपकी कंपनी फिर ऑटो एक्सपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, उसके लिए आपको तैयार करेंगे, और आगे जाके आपको आपो और आईओ से ऑटो भी तो जाना है, ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन भी तो आपको बनाना है। ये तीनों का नींव फाउंडेशन हम लोग डालेंगे ये 3 दिन का ये प्रोग्राम में।
तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है, तो लोग मेरे को पूछते हैं कि नायर साहब इसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो पहले तो हमने सोचा था 5 लाख रुपए रखेंगे इसको, फिर आपने झगड़ा किया, फिर हमने इसको 3 लाख रुपए दिया। 2001 में इस प्रकार का, इसका मतलब समझिए 1/10 ऑफ द कंटेंट कवर करता हूँ। सिंगापुर में जाके मैं 3 दिन का प्रोग्राम किया था, उस वक्त मेरे को याद है 1,60,000 रुपए सिर्फ टिकट का था, और उसके सिवा रहना खाना पीना सब एक्स्ट्रा, हम टिकट का नहीं, प्रोग्राम का टिकट का, फ्लाइट टिकट एक्स्ट्रा प्लस रहना पीना सबके सब मिलाकर 2.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, 3 दिन का प्रोग्राम और उसके कंटेंट के कभी, साथ, कभी की बात 2001 की बात करूं, कंटेंट वाइज अगर मैं कवर करूं या कंपेयर करूं, एक्टिविटी वाइज अगर कंपेयर करूं, वो प्रोग्राम इस प्रोग्राम का 1/10 है, तो ये तो 10 लाख के नीचे होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, पहले तो हमने वही किया था, फिर उसको 5 लाख किया, फिर झगड़ा करके 3, फिर वो प्रमोद हमारे लाइफ में आ गया। उसने हमारी ऐसी मारी, हमको कहा कि इसे दुनिया तक पहुंचाना है नायर साहब, और ऐसा झगड़ा करते 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 इसने उसको मार मार के उसको फिर 2 कर दिया। मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए, द टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर दिस प्रोग्राम, जिसमें गेम्स होगा, जिसमें ऑडियोज होगा, जिसमें वीडियोज होंगे, जिसमें फिल्म होंगे, जिसमें एक्टिविटी होगा, 111 साल का हमारा विजडम होगा, दुनिया का सबसे बढ़िया टूल्स और पैटर्न्स होंगे, सब कुछ हम लोग, एंड उसमें आपका रिव्यू होगा, आपका हैंड होल्डिंग होगा, आपको मेंटरिंग होगा, आपको वीडियोज मिलेंगे, आपको वैल्यू क्रिएशन लेटर्स मिलेंगे, आपको होल्ड करके रखें, और सबसे बढ़िया बात हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं जिसका नाम है स्टेप अप कम्युनिटी, STEP, स्टेप अप कम्युनिटी, यू नो STEP यानी स्मार्ट टाइगर एंटरप्रेन्योर परिवार, स्मार्ट टाइगर एंटरप्रेन्योर परिवार का एक स्टेप अप कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बनाएंगे, एक समुदाय बनाएंगे, और ये कम्युनिटी हमेशा साथ रहेगा, हम लोग जब तक है जान हम लोग साथ में रहेंगे, इस कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे, आप और हम मिलके इस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारा एक लैंग्वेज होगा, हमारा एक सोच होगा, हमारा एक विचार होगा, हमारा एक विश्वास होगा, हमारा एक अलाइनमेंट होगा, हमारा एक काम करने का तरीका होगा, हम एक दूसरे को मदद करेंगे, हम एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे, हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, हम एक दूसरे का डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन को बढ़ाएंगे, हम एक दूसरे को डिसिप्लिन करेंगे, हम हमारी आदतों में औरों की आदतों में, हमारी कौशल में औरों की कौशल में, हमारी एटीट्यूड में औरों की एटीट्यूड में, हमारी स्ट्रेटजीज औरों की स्ट्रेटजीज को हम बखूबी क्रिएटिविटी के साथ निभाएंगे, और ये टोटल 3 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम का टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 रुपीज प्लस टैक्सेस। ये प्रमोद ने सच में अभी डिस्काउंट भी देना, सच में ये 1 लाख, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ये तो मुझे स्मार्ट में ये प्राइस और ये प्राइस मॉडल तो कभी था ही नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, वो प्राइस भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे इसको, ये तो मैं खुद ही परेशान हूं कि मैंने इसको ये इन्वेस्टमेंट में उतारा कैसे। लेकिन हमारा ये नया सोच है कि हमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है, हजारों के तादाद में हमें बहुत जल्दी पहुंचना है, इसीलिए ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट रखा हुआ। और फिर प्रमोद ने और भी एक गेम खेला हमारे साथ, बोले सर ये जो दिन हम वीडियो लॉन्च करेंगे, जो भी दिन ये वीडियो लॉन्च होगा, वो वीडियो के लॉन्च होने के 3 दिन तक, ये वीडियो के जो दिन लॉन्च होगा, मतलब अभी जैसे लोग हमको आज देख रहे हैं, तो आज से तीन दिन के अंदर ये जो प्रोग्राम है आपको मिलेगा सिर्फ 99,000 में। शुट, क्या बात कर रहे हैं, ओनली 99,000। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी ये जो नंबर्स आ रहे हैं, इस पे जो इंसान का नाम होगा या नंबर होगा या वेबसाइट होगा, तुरंत अभी इसी वक्त ऑन द स्पॉट उठाइए फोन को, लगाइए, मिलाइए,
आरटीजीएस कीजिए, भरिए, चेक भेजिए और 3 दिन के अंदर अपने आप को एनरोल कीजिए, और अगर आपने मेरा एडवाइस को माना तो आपका जो लाइफ होगा वो ब्यूटीफुल होगा, वो लिबरेटेड होगा, वो फ्रीडम भरा होगा और वो मकाम पे आप पहुंचेंगे, आप खुश रहेंगे, आप जवान रहेंगे, आप मस्त रहेंगे और ये आपका लाइफ का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू नो एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन का गुरुकुल में क्या क्या सीखने को मिलेगा कि आप आपो कैसे बनाएंगे, आईओ कैसे बनाएंगे, ऑटो कैसे बनाएंगे, यानी कि ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे बनाएंगे, ऑटो एक्सपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे बनाएंगे और ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग कंपनी कैसे बनाएंगे, ये हम लोग सीखने वाले हैं। दूसरी बात, अपने को ये समझ लेना चाहिए कि द कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, हमारा अगर हम नौकरी कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे बिजनेस में आने के पहले, हमें वो अम्बिलिकल कॉर्ड काटना है। काटने के बाद हमें अपने आप को तैयार करना है, 7 डिसीजन हमें लेना है ऑफ बिकमिंग द चीफ एनर्जी ऑफिसर, द चीफ वैल्यू क्रिएशन ऑफिसर, द चीफ रिस्क ऑफिसर हमें बनना है, चीफ इंटेंशनैलिटी ऑफिसर बनना है, चीफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर हमें बनना है, चीफ प्रोडक्टिविटी ऑफिसर बनना है और चीफ बिलीफ ऑफिसर बनना है। इसका मतलब क्या है, ये सभी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। डर के आगे जीत है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डर होते हैं, जो बोलते हैं ना फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, बहुत सारे अननेसेसरी फियर्स हमने पाल के रखे हैं, तो उन फियर्स को कैसे कॉन्कर करना है, ये हम लोग करने वाले, बहुत ही जबरदस्त गेम के थ्रू हम लोग ये करने वाले हैं। और हम लोग पूरा दिन में जो जो किया है उसे एक माइंडफुल जर्नी में जाके चीजों को कैप्चर करेंगे, वर्कबुक के अंदर हम चीजों को, हर एक्टिविटी को कैप्चर करेंगे, इसको बोलते हैं बीइंग माइंडफुल। बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर को ही हैज टू बी ऑन अ माइंडफुल जर्नी, ही कांट बी ऑन अ माइंडलेस जर्नी, और माइंडफुल जर्नी वाले हमेशा अलर्ट होते हैं, हमेशा क्यूरियस होते हैं, हमेशा रिस्पॉन्सिव होते हैं और वो हमेशा रिसोर्सफुल होते हैं। यू नो एक धंधे वाला 24 घंटा प्रोडक्टिव रहना चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी, यू नो टू रिमेन प्रोडक्टिव, इसका मतलब क्या है, आप अपने आप को प्रोडक्टिव कैसे बना के रख सकते हैं। आप जो है आपका कंपनी का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है और आपका सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है आपका टाइम, वो टाइम को कैसे मैक्सिमाइजेशन करना है और प्रोडक्टिविटी को कैसे मैक्सिमाइजेशन करना है और किस तरह से हमें प्रेडिक्टेबल काम करना है कि अनप्रेडिक्टेबल काम करना है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण, यू नो जिंदगी में अगर आदमी को आजाद होना है, लिबरेट होना है और ट्रांसफॉर्म होना है, तो 6E का एक फॉर्मूला है, वो 6E फॉर्मूला वो अगर प्रैक्टिस करता है तो वो हमेशा लिबरेटेड और ट्रांसफॉर्म फील करेगा। उसके बाद यू नो बहुत सारे लोग बड़े बड़े सपने रखते हैं लेकिन दुखी हो जाते हैं क्योंकि वहां तक अभी बहुत लंबा है, अभी पहुंचे नहीं है, अभी पहुंचेगा भी कि नहीं, इस तरह का एक विचार होता है, तो इसीलिए वो सफर करते हैं। एंड देयरफॉर क्या हमें अपने आज तक का सफर के बारे में देखना है कि आगे सफर करना है ये, और इसके अंदर एक जबरदस्त विक्ट्री बुक हम लोग इसको लॉन्च करने वाले हैं और एक गेम के माध्यम से हम लोग किस चीज से अपना गोल की तरफ जाना चाहिए, किस फिलॉसफी से अपने गोल की तरफ जाना चाहिए, ये हम लोग सीखने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर जो है गंगोत्री के मापत प्योर होते थे और उतर गए नीचे और गंगा बन गए, गंगा मैली हो गई है। हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारे इनो ऊपर नीचे का गंदगी फैला हुआ है, कुछ तो हमने फैलाया, कुछ लोगों ने फैलाया, कुछ एनवायरनमेंट ने फैलाया, लेकिन इस गंदगी में रहने की वजह से हम गंगा हो जाते हैं, मैली हो जाते हैं। हमें बार बार गंगोत्री बनना पड़ेगा, बार बार हमारे को गंगोत्री बन के चीफ एनर्जी ऑफिसर बन के उभर उभर के वापस आना पड़ेगा, चीफ वैल्यू क्रिएशन ऑफिसर बन के हमें वापस आना पड़ेगा, चीफ प्रोडक्टिविटी ऑफिसर बन के हमें वापस आना पड़ेगा। तो ये है गंगोत्री का पूरा कार्यक्रम। और यहां पर जो सबसे मेन आप सीखने वाले हैं वो है 3S। 3S का मतलब है सेंस, सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटीज। बहुत सारी गंदगी आगे पीछे जब रहता है, मन में गंदगी रहती है, बिलीफ में गंदगी रहती है, डर के वजह से गंदगी पैदा, तो वातावरण की वजह से गंदगी पैदा तो हम पैदा होता है, तो हमारा सेंस, सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटीज चला जाता है। और ऐसा सेंस ना करने वाला, सेंसिटिव ना रहने वाला, सेंसिबिलिटीज गवाया हुआ एंटरप्रेन्योर कभी भी
एनर्जी को पैदा नहीं कर सकता, एंड देयरफॉर गंगोत्री कैसे बनना है और प्योर कैसे रहना है हमेशा, ये हम लोग सीखने वाले हैं। बिलीफ जो है, बिलीफ ही है जो पूरे कंपनी को सालों साल चलाती है, एंड देयरफॉर धंधे वाले को बनना पड़ेगा चीफ बिलीफ ऑफिसर। और हम लोग डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट में जब पढ़ते थे, हम यू गॉट टू बिलीव बोल के कॉन्सेप्ट उसको सीखते थे, और इस बिलीफ को सीखने के बाद इस बिलीफ को जिंदा कैसे रखना, ये हम लोग सीखने वाले हैं। और हमें कहां पर जाना है, किस टाइप का कस्टमर हमारा अगला कस्टमर होना चाहिए, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उस टाइप के कस्टमर के प्रति जाने के लिए हमें अलाइन करना पड़ेगा। तो निशाने पर नजर रखना पड़ेगा, और नजर निशाने पर रहना पड़ेगा, और निशाना कौन होना पड़ेगा इसके ऊपर हम लोग सीखने वाले हैं। और हमेशा आपको जिंदा रहना है, फॉर एवर अलाइव रहना है, फुल मस्ती में रहना है, फुल जोश में रहना है, और हैप्पी रहना और एक्साइटेड रहना है, और चिरंजीवी भवो, ये जो है कॉन्सेप्ट, ये हम लोग सीखने वाले हैं। हाउ डू यू रिमेन फॉर एवर अलाइव एंड इंस्पायर्ड फॉर लाइफ, बिकॉज दैट इज द ओनली वे वी कैन कीप द ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिशिंग एंड गोइंग, और लास्ट में टूवर्ड्स आपो, हमें उस दिशा में जाना है, आपो की तरफ ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। इसके लिए हमारे पास जो आदमी होंगे वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए, हमारे प्रोसेस जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज होने चाहिए, हमारा टेक्नोलॉजी क्रिएटिव होना चाहिए, हमारा सिस्टम जो है रेजिमेंटेड होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, एफिशिएंसी मल्टीप्लायर होना चाहिए, हमारा कस्टमर्स रिच होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, इवॉल्विंग होना चाहिए, एंड ऑलवेज मोर एंड मोर और बिगर हमारे को देने के लिए वचनबद्ध और तैयार होना चाहिए, और हमारा रेवेन्यूज जो है वो फ्री फ्लोइंग होना चाहिए, मल्टीप्लाइंग होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये इस तरह का जो एक आपो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन, जहां लोग जबरदस्त लोग, जहां लोग एक्सपर्ट्स हैं, इसको किस तरह से बनाया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग सीखने वाले हैं। और अंत में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह के बिजनेसमैन हैं हम। सिक्स टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन होते हैं, छह के छह टाइप को बहुत ही एक सेल्फ लर्निंग के माध्यम से इसको चलाया जाएगा और आप इसको समझ पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो रहा एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन का, गुरुकुल का ये जबरदस्त प्रोग्राम का संक्षेप में मैंने आपको बताया। साथ साथ में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा संतोष नायर के वीडियोस, जो छोटे छोटे कैप्सूल्स होंगे उसके फॉर्म में आपको वीडियोस मिलेंगे। साथ में आपको कुछ बड़े वीडियोस मिलेंगे जिसको बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन वीडियोस, जो आपको कंटिन्यूसली डायरेक्शन देता रहेगा, गाइड करता रहेगा, मोटिवेट करता रहेगा, इंस्पायर करता रहेगा, और आपके अंदर एक फौलादी जोश को बरकरार रखेगा। और आने वाले दिनों में हम लोग आपको कुछ लेटर्स भेजने वाले हैं, आई कॉल इट 21 वैल्यू क्रिएशन लेटर्स विल बी सेंड टू यू ओवर ए 21 डे पीरियड। एक बार आपने अपने आप को एनरोल कर लिया तो आपको ये लेटर्स भी मिलने चालू हो जाएंगे। और अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो 24/7 हम लोग एक हॉटलाइन असिस्टेंस अभी आपको नंबर देने वाला हूँ। कुछ नंबर है मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन जो स्क्रॉल करने वाला जो नंबर है उस पे आप ज़्यादा ध्यान देना, उसी के ऊपर आपको फ़ोन करना है अगर आपको एनरोल करना है, आपको एनरोल करना ही है। और अगर आपको कोई क्वेरीज है, अगर कुछ पूछना है, तो यू कैन राइट टू etkg@smm-art.com या etkg@smart-art.co.in, इस पे भी आप लिख सकते हैं। एक बार आपने एनरोल कर दिया तो आपको एक ऐप का आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और उस ऐप में से हम लोग आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले। तो स्मार्ट विनर ऐप होगा फॉर एक्सेस फॉर एनी काइंड ऑफ फॉर द नेक्स्ट 90 डेज, ये आप आपको मिलेगा, ताकि आपको इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल वीडियोस मिलेंगे, चर्चाएं होंगी, डिस्कशन होगा, औरों ने पूछा हुआ क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा, और ये सब तो मैंने ऑलरेडी हॉटलाइन के बारे में बता दिया है। और सबसे बढ़िया बात, वीडियो कॉल्स करेंगे, जूम कॉल जिसको बोलते हैं, हम लोग ग्रुप्स बनाएंगे और ग्रुप्स में से वीडियो कॉल्स जूम कॉल करेंगे, ये हम लोग एक काम करने वाले हैं।
जैसे कि मैंने कहा 90 दिन तक आपको हैंड होल्ड किया जाएगा, ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ये अफलातून है आपके लिए, और टोटल 90 डेज में आपको इम्प्लीमेंटेशन का हैंड होल्डिंग, आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई दुविधा है, आपको कोई डाउट है, आपको कोई डायरेक्शन चाहिए, आपको कोई तरह का संकोच है, किसी तरह का रुकावटें पैदा हो रही है, तो 90 डेज तक हम लोग आपको एक मेंटर साइन कर देंगे, वो आपसे बात करता रहेगा और लगातार नए नए ट्यूटोरियल्स बनता रहेगा। यू नो ट्यूटोरियल्स भी है, इसमें शॉर्ट वीडियोस होंगे और जो क्वेश्चंस आए हैं उसके ऊपर वीडियो बनेंगे, और वो वीडियो को बनने के बाद हम लोग इसको लोड कर देंगे ताकि आप इसको देख सकें। रेगुलरली हम लोग आपको क्विज करेंगे और यू नो इसमें अवार्ड्स होगा, रिवॉर्ड्स होगा, यू नो इसमें कोई स्कीम भी होगा, तो रेगुलरली आपको क्विज करने से आपको एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन का गुरुकुल में हम लोग ऐसे घुला के मिला के इन्वॉल्व करके गहराई में डुबा के हम लोग आपको रखेंगे। ये वादा रहा माय डियर फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन का गुरुकुल आपका जिंदगी का सबसे बेहतरीन और सबसे वैल्यूबल और प्राइसलेस प्रोग्राम होने वाला है, जिसका इन्वेस्टमेंट आपने देख लिया ओनली एट 99,000 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 3 डेज आपको ये मिलने वाला है, उसके बाद द होल थिंग इज गोइंग टू बी एट 1,50,000 रुपीज। सो एनरोल नाउ। नयन, वुड यू लाइक टू से समथिंग? डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, बिकॉज देखिए इसमें अब एंटरप्रेन्योर गुरुकुल का ट्रांसफॉर्मेशन का जो गुरुकुल है उसके पहले आपको इतना कुछ मिल गया है, 3 दिन में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और 3 दिन के बाद तो 90 डेज तक बहुत कुछ मिलने वाला है। किसके लिए रुके आप? इसी नंबर पे अभी फोन लगाइए और अपना पेमेंट करके अपना सीट दर्ज कराइए। राजेश टैगोर, वुड यू लाइक टू से समथिंग? बस इस प्रकार का प्रोग्राम आज तक के इतिहास में ना पहले कभी हुआ था, ना आज के बाद ऐसा शायद कभी होगा। ये एक वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इस प्रकार का 3 ट्रेनर यू नो जो 111 साल के एक्सपीरियंस तजुर्बे के साथ आपके पास वैल्यू लेके आ रहे हैं, जो हार्ड कोर हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को गहराई से समझते हैं, वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सिर्फ 3 दिन में पहली बार इतिहास में भारत में हो रहा है। इस सुनहरे मौका का आप फायदा उठाइए, तुरंत फोन करिए और एनरोल कर लीजिए, तुरंत ट्रांसफर करिए फंड्स का और एनरोल कर लीजिए। डोंट वेट, वेट करते रहेंगे कुछ होने वाला नहीं है, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, वही एक्शन है फोन करना। सिर्फ दो ही टाइप के आदमी लोग हैं जो इसको डिले करेंगे, जो परफेक्शनिज्म में बिलीव करते हैं और जो प्रोक्रेस्टिनेशन में बिलीव करते हैं। परफेक्शनिस्ट आर प्रोक्रेस्टिनेटर्स एंड प्रोक्रेस्टिनेटर्स आर परफेक्शन। यू नो परफेक्शनिज्म का मतलब है 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम, जो भी करूंगा परफेक्ट करूंगा, और प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है जो भी करूंगा कल से करूंगा, क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम बोलते हैं, हर चीज को कल करूंगा परसों करूंगा। तो ये जो दो बीमारी है, परफेक्शनिज्म जो भी करूंगा परफेक्ट करूंगा, 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम, और दूसरी जो बीमारी है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसका मतलब है यू नो पोस्टपोनमेंट, जिसका मतलब है जो भी करूंगा कल से करूंगा, क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम। ये दो बीमारी जिन जिन में लोगों में लगा है वो लोग इस चीज को पोस्टपोन करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं परफेक्शनिज्म के पीछे महीने भागना है और प्रोक्रेस्टिनेशन तो बिल्कुल नहीं करना है। परफेक्ट टाइम नहीं, कभी कोई टाइम परफेक्ट नहीं होता, कभी कोई भी चीज करने का परफेक्ट टाइम जो होता है वो अभी होता है, इसी वक्त होता है, राइट ना होता है। परफेक्ट टाइम बोल के एक टाइम आने वाला नहीं है, परफेक्ट टाइम ना शादी करने का है ना बच्चा पैदा करने का है, परफेक्ट टाइम और परफेक्ट लड़की या परफेक्ट लड़का आपको मिलने वाला नहीं है। जो मिला है अगर वो ठीक लगता है आपका सेंस को, अगर हम लोगों ने जो इतने देर से बात किया, 2 घंटे से हम लोगों ने बात किया, अगर आपका सेंस और सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी ये बता रहा है कि मुझे इसमें कुछ मिलेगा, 100% मुझे इसे मिलेगा, अगर आपका ये दिल ऐसा बोल रहा है तो बिल्कुल किसी से एंडोर्समेंट लेने की जरूरत नहीं है, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में बिलीफ रखिए, अपने आप में विश्वास रखिए, अपने आप में फेथ रखिए, और उस विश्वास और फेथ और बिलीफ के साथ आपको इस प्रोग्राम में आना है। 29th, 30th and 31st of August 2019 आपका जिंदगी का महत्वपूर्ण 3 दिन, जो आपकी जिंदगी का अगला 50 से 100 साल का फाउंडेशन बनने वाला है। बिल्कुल टाइम ना वेस्ट कीजिए, एनरोल राइट नाउ। तो एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन का गुरुकुल में हम तीनों आपका स्वागत करते आइए 29, 30, 31। बिल्कुल फोन उठाइए, किसी सेल्समैन का इंतजार ना कीजिए, किसी का इंतजार ना कीजिए, बस भर डालिए और आ जाइए।
और दोस्तों अकेले नहीं आइए, अपने दोस्तों को, अपने पार्टनर्स को, अपने हितचिंतकों को और जिनके भी लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है उन सभी को अपने साथ में लाइए। बिकॉज एक तो आप अपने आप में तो ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, लेकिन दूसरों के लाइफ में अगर आप ये देन देते हैं तो मेरे ख्याल से उससे बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन तो होगी नहीं। तो जितने भी लोगों को आप जानते हो सभी लोगों को इस प्रोग्राम में एनरोल कराइए, क्योंकि ये एक पूरी एक जो कायनात है हम बनाने जा रहे हैं उसमें आपका एक बड़ा योगदान रहेगा। तो सभी के साथ आइए। एक लास्ट एंड फाइनल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वीडियो खत्म होते होते इस चीज को आप फॉरवर्ड करिए, इस चीज को आप शेयर करिए, सोशल मीडिया में शेयर करिए, ट्विटर में शेयर करिए, फेसबुक में शेयर करिए, व्हाट्सएप लिंक भेजिए, सारे आपके दोस्तों के पास ये चीज पहुंचना चाहिए। जीवन में पहली बार भारत में इस प्रकार का एक जबरदस्त चीज हो रहा है, इसका फायदा ये इन्फॉर्मेशन सभी के सभी को पहुंचना है। और ये जो हमने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है ये कलेक्टिव विजडम है हमारा, और ये जो वीडियो है ये ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है। ये वीडियो इटसेल्फ इज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, और जैसे टैगोर साहब ने कहा इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों में बांटिए, इसके ऊपर चर्चा कीजिए, हम तीनों के विचारों के ऊपर भी आप चर्चा करेंगे तो उसी में भी आपका बहुत जबरदस्त ग्रोथ और डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मतलब ट्रेलर में तो वसूली है और प्रोग्राम तो पूरा पैसा वसूल। तो 29, 30, 31 अगस्त एम्बी वैली लोनावाला, चलिए मिलते हैं। अगस्त बस आ ही रहा है। अगस्त फ्रीडम मिला था हमें, ये वो महीना था 15 अगस्त को हमको फ्रीडम मिला था, वो तो देश को फ्रीडम मिला था। हम कमिटेड है आपके फ्रीडम के लिए, तो आपका फ्रीडम, आपका राइट्स और आपका लिबरेशन के लिए हम वचनबद्ध है। आइएगा जरूर ऑन द 29, 30 and 31 August 2019। नयन कोटियन होगा, राजेश टैगोर होगा, टाइगर होगा और टाइगर होगा संतोष नायर, हम तीनों रहेंगे हमारे साथ, हमारे जितने बाकी टाइगर और टाइगरेसेस हैं वो सब रहेंगे, मिलके ऐसा आनंद के साथ प्रोग्राम करेंगे और ऐसा लुफ्त उठाएंगे कि 99,000 rupees तो ऐसा चाय पिया ऐसा लगना चाहिए। वादा करता हूं कि ये प्रोग्राम आपका जीवन का सबसे अमूल्य, प्राइसलेस और मोस्ट वैल्यूबल प्रोग्राम होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आइए इतिहास रचते हैं साथ। सी यू देयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।